वैसो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाए के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। लेक्चर काफी शानदार, काफी इंटरेस्टिंग और काफी प्यारा रहने वाला है। टकटकी लगाकर वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। कई सारी अवेयरनेस की चीजें होंगी, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, हर एक तरीके से ये वीडियो आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है। अगर और अच्छे से आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक काम करिएगा, पेन और कॉपी और लेकर बैठ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो हो सकता है आप लोगों ने पहली बार सुनी होगी, उनको आप लोग नोट डाउन कर लेना। और इसी के साथ में आप लोग अगर चाहते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद में क्या इसकी तो पीडीएफ हमारे पास में होनी चाहिए, तो टेलीग्राम से जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को यहाँ पर सारी चीजें इकट्ठी मिल जाती हैं। अगर वीडियो का नोटिफिकेशन भी नहीं आता है तो भी आप लोगों को यहाँ पर एक तरीके से नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि कई बार जो YouTube है वो टाइम लेता है प्रोसेसिंग करने में वीडियो को। आप लोगों को चाहिए कि पीडीएफ सारी यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पिन कर रखी है, चाहे पॉलिटिकी हो, चाहे आप लोग की जो मंथली करंट अफेयर की वीडियो हो, वो सारी जो भी वीडियो आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है, आने वाले टाइम में टाइम टेबल कैसे बनाना है, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, किस तरीके से आप लोगों को बेसिकली एसे लिखना है, कैसे सीसेट कवर करना है, ये सारी चीजें भी मैंने यहाँ पर पिन कर रखी है। अगर आप लोग जाओगे, 41,000 से ज्यादा मेंबर जुड़े हुए, इनको फायदा हो रहा होगा इसीलिए जुड़े हुए, आप लोग भी जुड़िए, आप लोगों को भी जरूर फायदा होगा, काफी कुछ आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाता है। बाकी आंसर राइटिंग ग्रुप भी यहीं से आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर यहां पर आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को लिंक मिलेगा आंसर राइटिंग ग्रुप का, आप लोग यहां पर जाकर आंसर राइटिंग ग्रुप भी ज्वाइन कर आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहले सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट। मोटिवेशनल क्या, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि डिसिप्लिन के बारे में बात की जा रही है। देखिए, बोला गया कि द पेन ऑफ डिसिप्लिन इज मच मोर ब्यूटीफुल देन पेन ऑफ रिग्रेट। अगर जिंदगी में आप लोग किसी चीज को अचीव करना चाहते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाए अपने लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से, तो आप लोग जिंदगी में रिग्रेट करेंगे और उस रिग्रेट का कोई मतलब नहीं रह जाता है। यानी कि फिर पछतावे क्या करें जब चिड़िया चुग गई खेत, तो उस पछतावे का कोई मतलब नहीं है। इसलिए कहते हैं कि टाइम रहते हुए इंसान को सुधर जाना चाहिए। तो आप लोग अगर डिसिप्लिन में आकर अपनी लाइफ को अगर सही तरीके से अपनी चीजों को लेकर स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ना, तो कभी भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। जैसा मैंने बोला था मॉर्निंग में, जैसे द हिंदू की वीडियो आप लोग देखते हो तो अपना पूरे दिन का प्लान लिखा करो कमेंट बॉक्स में, क्या क्या आप लोगों को कवर करना है, ठीक है। और फिर जब शाम को नैनो मैगजीन आती है, ये सेकंड वाली वीडियो, इसके नीचे बताया करो कि क्या क्या आप लोगों ने अचीव किया। तो मैंने ये आप लोगों को बोला था, बहुत सारे बच्चे कंटिन्यूअसली इसको कर रहे हैं, वो रेगुलर ये बताते हैं शाम को कि इतने प्रतिशत हम लोगों ने अचीव कर लिया, कोई 90%, कोई 95%, कोई 80%। तो इससे आप लोगों की एक अकाउंटेबिलिटी होती है आप लोगों के लिए कि हाँ, हम लोगों को इतनी पढ़ाई की है और इतनी हम लोगों ने अचीव कर ली है। और जब एक बार को नोट डाउन कर दे तो आप लोग चीजों को लिखकर पब्लिकली, तो आप लोग उसको और अच्छे से फिर फॉलो करने की सोचोगे कि यार ये बोला था, इसमें से अचीव नहीं कर पाए। कई सारे बच्चे आप लोग कमेंट भी पढ़ेंगे, तो इससे आप लोगों की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहेगी। तो इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि अपने आप को अकाउंटेबल रखिए, ताकि चीजों को लंबे समय तक आप लोग याद रख सकें, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है रिसेंटली अभी एक पेपर में पूछे गए, ये मैं आप लोगों नैनो मैगजीन में क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। यहाँ पर सोन चिरैया के बारे में बात की जा रही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। बोला गया है यहाँ पर बेसिकली कि आप लोगों को ये बताना है कि सोन चिरैया जो है वो लॉन्च किया गया था मार्केटिंग ऑफ अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्ट के लिए, दूसरा लॉन्च किया गया था यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए, पहला ये है यहाँ पर। दूसरा बात की जा रही है अंडमान निकोबार में कौन सी ट्राइब इनमें से पाई जाती है, ठीक है। तो इनके बारे में कईयों के बारे में आप लोगों को बता रखा है, जैसे कि यहाँ पर सेंटिनलीज, इसके बारे में आप लोगों को याद होगा एक बार हम लोगों ने जिक्र किया था कि अंडमान निकोबार वाले एरिया में एक पर्टिकुलर पर्सन गया था वहां पर उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को सुधारने के लिए, ठीक है। पर लेकिन वहां पर वो कम्युनिटी बाहर के लोगों से काफी ज्यादा एक तरीके से नहीं रखते कि पता नहीं कौन आ गया, तो उसके ऊपर तीरों की बारिश की, तो वहां से उसकी डेथ हो गई थी, वो यूएसए का नागरिक था। तो कई सारी सी चीज देखने को मिल रही, ठीक है। एक है यहां पर यह उलादान, नेक्स्ट है जारवा और नेक्स्ट है यहां पर बकरवाल, ठीक है। अगर आप लोगों को याद होगा बकरवाल कम्युनिटी के बारे में जरा सभी, जम्मू एंड कश्मीर में याद है एक छोटी सी बच्ची का रेप किया गया था, बेसिकली जो मंदिर था वहां पर उसके जो बैकग्राउंड में एक रूम था, एक कमरा था, वहां पर उस बच्ची का रेप किया गया था, वो बकरवाल कम्युनिटी से ही आती थी जो कि चरवाहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग ये छोटी छोटी चीजें अगर आप लोग स्टोरी याद रख पाते हैं जो मैं आप लोगों को बताता हूं, तो फिर आसानी से आप लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्या आंसर सही है क्या फिर गलत है। अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन को देखता हूं कौन कौन सी आंसर बताते हैं। ये वो चीजें हैं जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। यार लेक्चर बहुत प्यारा रहने वाला है, एंड तक वीडियो को देखिएगा, बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा हर एक लेवल पर। आप लोग चाहे वो प्रीलिम्स पॉइंट इंटरव्यू या फिर मेंस आंसर राइटिंग में काफी कुछ जानने को मिलेगा, तो अच्छे से लेक्चर को सुनिएगा। ये वाला जो आर्टिकल है और ये वाला जो आर्टिकल है शानदार तरीके से डिस्कस करूंगा काफी कुछ डिटेल में, जो हमारी कंट्री में आजकल में जो एक्सीडेंट देखने को मिल रहे हैं, खासकर रोड एक्सीडेंट, उसकी वजह से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है और गुड स्मार्ट रन क्या होता है वो भी हम लोग जानेंगे, इसके ऊपर भी इसके बारे में बात की जा रही है, तो डिटेल में हम लोग समझेंगे। आज की डेट में बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड में काफी पैटर्न आप लोगों को अलग तरीके का देखने को मिलेगा, तो इंडिया अपने आप को कहां पर रख सकता है, ठीक है, किस तरीके से अगर बात करें पहले टाइम पे आज में क्या क्या चेंजेस हैं, तो कई सारी डिफरेंट चीजें भी आप लोगों को जानने को मिलेगी। तो समझेंगे आर्टिकल को, जो जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं।
नोबेल प्राइज चल रहे हैं, आप लोगों को पता है नोबेल प्राइज का मौसम चल रहा है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो जानेंगे आर्टिकल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा, ठीक है। अभी आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसी की पॉलिटिक्स चल रही है कि यहां पर वो हो जाएगा ये पर्टिकुलर, यानी बीजेपी आरएसएस ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं बीएसपी यहां पर वोट किसको पॉलिटिक्स वो सब चीजें, तो एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इस तरीके के आर्टिकल में टाइम वेस्ट मत किया कीजिए, इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। ये साइड में जो आर्टिकल है ये बेसिकली इंप्लॉयमेंट जनरेशन का एक डेटा प्रस्तुत किया गया जिसको क्यूईएस बोला गया, ठीक है। तो क्वार्टरली इंप्लॉयमेंट जो बेसिकली यहां पर एक सर्वे किया गया तो उसी के बारे में बात की जा रही है, तो जानेंगे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो सामने रखे गए हैं, आखिर क्या क्या चीजें हैं, तो समझेंगे। यहां पर बात की जा रही है मल्टीलेटरलिज्म के बारे में और खासकर फोकस दिया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आप लोगों को पता होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अभी रिसेंटली ईपीएफओ के अंदर भी और स्टेट पीसीएस के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि उसकी नई हेड अभी बनाई गई है जो कि एक वुमेन बनी है, फर्स्ट अफ्रीकन नाइजीरियन। तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों की जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो भी कवर हो जाए, तो उस तरीके से हम लोग चीजों को देखेंगे। देखिए आप लोगों जब भी मैं कोई आर्टिकल डिस्कस करता हूं ना, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर एडिटोरियल में बहुत ज्यादा टाइम लगाते हो। एडिटोरियल में यार देखो आप लोगों को हर तरीके का डेवलपमेंट होता है, आंसर राइटिंग आप लोगों की कवर होती है, एसे राइटिंग आप लोगों की कवर होती है, एथिक्स का पोर्शन आप लोगों का कवर होता है, प्रीलिम्स से लिए जो फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं वो आप लोगों को मिल जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन अगर कोई है न्यूज़पेपर का तो वो है एडिटोरियल। एक बार को पूरा न्यूज़पेपर छोड़ दोगे ना चलेगा, पर लेकिन एडिटोरियल छोड़ दोगे तो इसका मतलब ये कि आप लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है। क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कवर करके आप लोग मान लीजिए एक प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, आगे क्या होगा, प्रीलिम्स के तो मार्क्स भी काउंट नहीं होते हैं, प्रीलिम्स जस्ट क्वालिफाइंग है। तो आप लोग एक प्रॉपर अच्छी तैयारी अगर करना चाहते हैं तो एडिटोरियल पर पूरा फोकस किया करो, एडिटोरियल सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, ठीक है। तो इसको स्किप नहीं करना है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, इसीलिए मैं डिटेल में एक एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर करता हूं ताकि कोई भी कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में न रहे, ठीक है। यहां पर बेसिकली ये बताया गया अभी रिसेंटली कई सारी पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन जीत कर आई हैं, तो जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अगर बात करें तो जब एस्टिमेशन यहां पर लगाया गया कि कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने क्या क्या खर्च किया है, तो ये बता रखा है कुछ पॉलिटिकल पार्टी की तमिलनाडु में क्या खर्चा किया गया है और अभी तृणमूल कांग्रेस के द्वारा क्या खर्चा किया गया, तो ये एक हल्का सा आइडिया यहां पर दे रखा है, ठीक है। बोला जाता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीत कर आती है दुनिया भर का पैसा खर्च करती है, तो इसकी वजह से कई बार जो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है उसमें इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है, यानी कि पूरा पैसों के ऊपर पॉलिटिक्स खेली जाती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें बोली गई हैं। तो आर्टिकल जो डिस्कशन आगे बढ़ेगा ये बढ़ेगा हमारा जो बेसिकली रोड एक्सीडेंट वाले आर्टिकल के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कई सारे रोड एक्सीडेंट होते हैं, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। अभी रिसेंटली जो काफी खतरनाक चीजें देखने को मिली, ये काफी एक तरीके से दिल दहलाने वाली घटनाएं थी रोड एक्सीडेंट के बारे में। तो बोला यह गया कि अभी कई सारे राज्य के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारे रोड एक्सीडेंट देखने को मिले, तो इन रोड एक्सीडेंट में कई सारे लोगों की जान चली गई और कई रोड एक्सीडेंट तो इतने घातक थे कि एक रोड एक्सीडेंट हुआ यहां पर ये जिसमें 51 लोगों की जान चली गई। समझ रहे हैं कि 51 लोग, एक ही परिवार के भी कई सारे लोग उसमें होंगे। तो जब यहां पर ये 51 पैसेंजर की ये डेथ हुई मध्य प्रदेश के अंदर में, इसकी वजह से हमारी कंट्री के जो होम मिनिस्टर हैं उनको अपना प्रोग्राम भी कैंसिल करना पड़ा जो कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड था, उनका एक पर्टिकुलर प्रोग्राम प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में यहां पर एक इनॉग्रेशन ये करने वाले थे। तो इतना बड़ा इंपैक्ट यहां पर आप लोगों को देखने को मिला इसका। इसी के साथ में एक और यहां पर इससे कुछ पहले यहां पर कुर्नूल आंध्र प्रदेश के अंदर एक पैसेंजर ट्रेन थी उसमें 18 लोगों की जान चली गई, ऐसी दुर्घटना देखने को मिली। इसी ड्यूरेशन के आसपास में एक और बेसिकली बस की दुर्घटना हुई, एक ड्राइवर जो था वो झपकी लगी और ड्राइवर जो है वो अपना बैलेंस खो बैठा, तो उसकी वजह से यहां पर भी लगभग मुझे लग रहा था 15-20 के करीब लोगों की वहां पर भी जान गई। तो रोड एक्सीडेंट हमारी कंट्री में इतना ज्यादा खतरनाक लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि क्या हमारी कंट्री में हम लोग अगर गाड़ी में बैठे हुए हैं कहीं पर क्या हम लोग सेफ हैं, हमारी कंट्री में किस तरह की कंडीशन होती है, वो सारा मैं आप लोगों को डेटा यहां पर देने वाला हूं। कई सारी बातें आप लोगों को यहां पर जानने को मिलेगी, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अभी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ये बेसिकली हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री है वो नितिन गडकरी जी के अंडर में है, ठीक है। यानी कि जो रोड के बारे में बात करती है यहां पर उनसे रिलेटेड उनको कैसे इंप्रूव करना है, तो इसके द्वारा बोला गया कि 1.5 लाख के करीब लोग जो है वो उनकी डेथ हो जाती है रोड एक्सीडेंट में, और लगभग जो एक्सीडेंट की वजह से जो इंजर्ड होते हैं, किसी के हाथ टूट गए, किसी के टांग टूट गया, तो लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा 4.5 लाख के करीब लोग ऐसे हैं। ये डेटा 2019 का इनके द्वारा बताया गया है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप लोग यहां पर अगर सोच रहे हैं कि 1.5 लाख के करीब लोग चले गए, तो यहां पर सोचने वाली बात यह, जो 1.5 लाख के करीब ये लोग गए हैं ना, ये मैक्सिमम वो होते हैं जो अपने घर में कमाने वाले लोग होते हैं, मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिले, क्योंकि घर से बाहर वही इंसान निकलता है जो कमाने जाता है, कुछ काम करने जाता है, और उसकी डेथ हो रही है तो पूरा परिवार पैरालाइज हो गया एक तरीके से, ऐसा बोल सकते हैं। इसलिए कई बार बोला जाता है कि परिवार में कम से कम अलग अलग रिसोर्सेज से कमाने वाले लोग अलग अलग होने चाहिए, अगर कोई ऐसी अनफॉर्चुनेट कंडीशन बनती है, कल को कुछ दुर्घटना घटती है परिवार में, ताकि परिवार जो है वो सड़क पर न आ जाए, तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर ये जो दिक्कत देखने को मिल रही है, इनमें से बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट थे जिनको रोका जा सकता था,
का, यानी कि आनन फानन में कई सारे एक्सीडेंट यहां पर देखने को मिलते हैं, तो इसके ऊपर काम करने की काफी ज्यादा जरूरत है। अगर इंपॉर्टेंट बात बोलूं यहां पर नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के बारे में बात करें, तो 5% टोटल रोड है, टोटल जो रोड है उसका ओनली 5% है नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे, और जबकि यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 61% जो डेथ होती है वो यहां पर एक्सीडेंट से इन्हीं के ऊपर होती है। ये 5% कैसे बोला, इसको समझने के लिए आप लोग यहां पर डेटा देखिए। नॉर्मल तरीके से अगर बात करें, जैसे कि नेशनल हाईवे हो गया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर आता है, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा बेसिकली मैच करने के लिए भी, ठीक है, कि बताइए कौन कौन सा हाईवे जो है वो किस किस के द्वारा यहां पर मैनेज किया जाता है। ठीक है, अगर बात करें नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को आप मिला ले तो टोटल मिलाकर आप लोग देखते हैं कि 5.2% के करीब आप लोगों को टोटल इनकी लेंथ देखने को मिलेगी, यानी कि ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगाने के लिए आ जाएगा कि कितने डिस्ट्रिक्ट रोड है, सबसे ज्यादा रोड कौन सी है देश के अंदर में। ठीक है, तो नेशनल हाईवे बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर में आता है, ओनली पूरे जितने भी हाईवे हैं उनका 2% आप लोगों को देखने को मिलेगी, इतनी रोड है हमारे देश में। स्टेट हाईवे जो है वो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंडर में आता है, तो यहां पर आप लोगों को 3% देखने को मिलेंगी। ये जो एरिया है इसमें टोटल जो डेथ होती है इसमें आप लोगों को 61% लोगों की डेथ होती है, यानी कि ये रोड जो है इनपे सबसे ज्यादा लोगों की जान जाती है ये बोला गया है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो रोड होती है उसको पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट स्टेट यूनियन टेरिटरी का इनके ऊपर वाला ही डिपार्टमेंट देखेगा, टोटल मिलाकर 10% रोड डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगी। देश के अंदर जो सबसे ज्यादा रोड है वो है रूरल रोड, यानी कि गांव के अंदर रोड, जो कि पंचायती राज सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलता है, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसके थ्रू इनको मैनेज किया जाता है, गांव में खड़ंजे वगैरह बनाना वो सब देखा ना, तो 72% जो रोड है वो आप लोगों को यहां से निकल कर आएंगी। अर्बन जो रोड है यहां पर जो म्युनिसिपैलिटी के अंदर आती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटी के अंदर, ये देखने को मिलेगी आप लोगों को 8.75। अब क्वेश्चन में कंफ्यूजन डाल के आप लोगों को बोल दे कि हमारी कंट्री में जो प्रोजेक्ट रोड होती हैं, जैसे कि वेरियस गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है, जैसे कि सेल हो गया, एनएमडीसी हो गया, ये ब्रो यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये जो बेसिकली मैनेज करती हैं, ये यहां पर एक तरीके से ज्यादा है। अगर दोनों नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को मिला देना उससे भी ज्यादा आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगा। तो सोचिए अगर कंफ्यूजन में डालने के लिए आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा लेंथ जो है हमारी कंट्री में जो रोड की है वो है नेशनल हाईवे की, ठीक है, आप लोग बोलेंगे हाँ यार नेशनल हाईवे बोला है, बहुत लंबी लंबी रोड होंगी, ठीक है, पर लेकिन सोचिए एक पर्टिकुलर गांव में कितनी सारी रोड निकल जाती है इधर से उधर को, एक गांव को चार तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है, चार डायरेक्शन से, तो इतने लोकल एरिया पर दुनिया भर की सड़कें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। तो सबसे ज्यादा जो है वो है रूरल रोड, यानी कि गांव वाली जो रोड होती है उसके बारे में याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर है डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो रोड होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तीसरे नंबर पर है यहां पर जो अर्बन लोकल बॉडीज के द्वारा जो रोड देखने को मिलेगी, पंचायत जो यहां पर बेसिकली ये म्युनिसिपैलिटी वाली, ठीक है, ये तीसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। चौथे नंबर पर आएंगे यहां पर जो प्रोजेक्ट वाली रोड है, पांचवें नंबर पर आएंगे स्टेट हाईवे, और छठे नंबर पर देखने को मिलेंगे आप लोगों को नेशनल हाईवे, यानी कि नेशनल हाईवे की जो रोड है हमारे देश में वो सबसे कम है। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। अगर बात करें अराउंड यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 35,000 के करीब जो डेथ है वो रिपोर्ट की जाती है नेशनल हाईवे पर, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, जिसको NHAI आप लोग बोलते हैं। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में अगर आप लोग बात करिए तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता देता हूं। नेशनल हाईवे ये सारे देखिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है सारी, ठीक है, ये आर्टिकल में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, ये आर्टिकल में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, इसीलिए यहां पर मतलब क्या आप लोगों का आर्टिकल सुनने का डिस्कशन, मतलब ये है ना कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जानने को मिले जो कि कनेक्ट करती है, वरना आर्टिकल तो है, न्यूज़पेपर तो सबके पास में, पढ़ सकते हैं आप लोग आराम से, तो इसीलिए यहां पर ये रहता है कि ताकि ये चीजें आप लोग, ये सारे आप लोगों को क्या लगता है ये सारे कहां पर यूज होएगी, पूछ ले अगर आप लोगों से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, स्टेटमेंट में देकर बोले कि कैसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो आप लोग अगर इनके बारे में नहीं पता होगा तो कैसे आंसर दे पाएंगे, तो प्रीलिम्स का डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, फिर बोलोगे क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया, थोड़ा सा भी ध्यान से सुनोगे ना लेक्चर को तो इतनी तो गारंटी देता हूं यार क्वेश्चन नहीं छोड़ने दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सुनकर चलिए, रिवीजन थोड़ा सा करते रहिए, फिर सारी चीजें दूर हो जाएंगी, ओके। बात करें अगर यहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये 1988 में यहां पर बेसिकली बनाई गई, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि पार्लियामेंट में लॉ पास करके इसको बनाया गया, और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर में आती है। योगेंद्र नारायण इसके पहले चेयरमैन थे 1988 में बेसिकली, और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। अगर बात करें यहाँ पर मोटो इसका रोड इसका है कि एक तरीके से कि नॉट जस्ट रोड बिल्डिंग ए नेशन, यानी कि रोड नहीं बना रहे हैं भाई साहब हम लोग, पूरा देश बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, और ये अभी मिलकर काम करती है इसरो के साथ में भी, ताकि रोड को मैप हम लोग कर सकें। तो यहाँ पर जो इसके अंदर जो हाईवे आते हैं उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा दिक्कतें देखने को मिलती हैं, जो कि यहाँ पर हमारी कंट्री के अंदर में। अभी अगर बात करें इंटरनेशनल रोड फेडरेशन, जो फरवरी के अंदर में यहाँ पर इनके द्वारा एक वेबिनार ऑर्गेनाइज कराया गया, वेबिनार क्या होता है एक तरीके आप लोग मीटिंग बोल सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है, तो इनके द्वारा बात की गई। तो नितिन गडकरी जो हमारी कंट्री में मिनिस्टर है इसके,
उनके द्वारा बोला गया कि आज की डेट में रोड एक्सीडेंट की वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड में ठीक है लगभग 415 के करीब लोग जो है वो यहां पर ईच डे उनकी डेथ होती है, और सबसे ज्यादा जो डेथ होती है वो कहां पर होती है, वो होती है इंडिया के अंदर। देखिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बताऊं आप लोगों को, क्या है आप लोगों को ये देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में से किसी का पर्टिकुलर एक्सीडेंट हो गया ठीक है, तो एक्सीडेंट हो गया तो मैक्सिमम डेथ इसलिए होते हैं क्योंकि उसको सही टाइम पर हॉस्पिटल में नहीं पहुंचाया जाता है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इसलिए यहां पर अगर सही टाइम पर हॉस्पिटल में उस पर्टिकुलर पर्सन को पहुंचा दिया जाए तो कई सारी डेथ को हम लोग रोक सकते हैं, पर लेकिन हम लोग ये इन चीजों पर फोकस ही देते हैं कि ले जाएंगे पूछेंगे कहां से हो गया क्यों लाए क्या हो गया, वो सारी चीज आप लोग को देखने को मिलेगी, तो इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। तमिलनाडु में बात करें काफी इफेक्टिव रोड से रिलेटेड मेजर इंप्लीमेंट किए गए तो बोला 38% उन्होंने रोड के एक्सीडेंट कम कर दिए और 54% जो उसकी वजह से डेथ हो रही थी वो कम कर दी। तो नितिन गडकरी साहब के द्वारा ये भी बोला गया कि तमिलनाडु से सीखना चाहिए दूसरे राज्य को कि उन्होंने क्या-क्या स्टेप उठाए हैं ताकि यहां पर ये सारी चीजें हम लोग कंट्रोल कर पाए हैं। हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे स्टेप उठाए गए जैसे कि मोटर व्हीकल अमेंडमेंट जो एक्ट लेकर आया गया 2019 का, आप लोगों को पता होगा बहुत ह्यूज फाइन लगाया गया कि अगर कोई पर्टिकुलर बिना हेलमेट के गाड़ी चलाता है बिना बेल्ट बांधे हुए गाड़ी चलाता है अगर 18 साल से नीचे का बच्चा कोई गाड़ी चलाता है तो बहुत सारे प्रोविजन लाए गए जिसके ऊपर बहुत सारे मीम्स भी बने और बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं उन्होंने जो फनी वीडियो बनाते हैं उसके ऊपर दुनिया भर की फनी वीडियो बनाई की जायदाद एक तरीके से यानी कि चलान भरने में पूरा एक तरीके से किडनी बेचनी पड़ गई और ये वो सारी चीजें, पर लेकिन मजाक अपनी जगह है पर लेकिन ये सीरियस मैटर है देश के अंदर अगर इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बोला ये गया था स्टार्टिंग में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा यहां से ध्यान से सुनिएगा, बोला ये गया था स्टार्टिंग में कि 2022 तक 50% डेथ जो है वो कम करनी है हम लोग को जो रोड एक्सीडेंट की वजह से होती है। तो यहां पर ये किसके द्वारा बोला गया था, तो यूनाइटेड नेशन का ये था ब्रासिला डिक्लेरेशन, ब्रासिला यानी कि ब्राजील के अंदर जो डिक्लेरेशन हुआ था उसमें यहां पर ये बातें की गई थी कि हाँ हम लोग इसको रोकेंगे और इंडिया ने भी बोला था कि हम लोग ये काम करेंगे, पर लेकिन 2020 तक तो हम लोग ये कर नहीं पाए। अभी फिलहाल का जो टारगेट है जो मैंने आप लोग को फरवरी की रिविजन वाली वीडियो अगर देखी होगी उसमें डिटेल में बातें बताई थी कि यहां पर 1.2 लाख जो है 2020 में अगर बात करें तो इसको हम लोगों ने कुछ कम किया, पर लेकिन अगर 50% कम करना है तो 2025 तक का टारगेट रखा गया है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को दिखा देता हूं जो उस टाइम पर भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था ताकि आप लोगों के माइंड में उसको लेकर क्लैरिटी रहे। देखिए कई सारे ऐसे डेटा होते हैं जो कि इंपोर्टेंट आप लोगों को पता रहने चाहिए, ठीक है। हमारी कंट्री में अभी टारगेट क्या है, 2025 तक हम लोगों को डेथ जो है वो यहां पर 50% कम करनी है, ये टारगेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर बात करें इंडिया जो है स्टैंड करता है एक तरीके से वन पोजीशन पर, अगर बात करें यहां पर वर्ल्ड में अहेड ऑफ द यूएसए और चाइना, अगर यहां पर इन सब मुद्दे में आप लोग बात करें यहां पर यूएसए और चाइना में भी एक्सीडेंट होते हैं और कई बार तो हमसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, पर लेकिन दिक्कत पता है क्या है यहां पर, मतलब दिक्कत नहीं मतलब सही पता है क्या है यहां पर सही है कि यहां पर तुरंत उनको हॉस्पिटल में पहुंचाकर उनकी जान बचा ली जाती है। हमारी कंट्री में दिक्कत है, हमारी कंट्री में एक्सीडेंट अगर देखा जाए कई बार इनसे कम रहते हैं पर लेकिन डेथ के मामले में हम लोग टॉप पर हैं, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत बोली जा रही है और जिसकी वजह से 14% तक बोला गया कि एक कंट्री की जीडीपी जो है वो इंपैक्ट हो सकती है एक्सीडेंट की वजह से, क्योंकि सारे कमाने वाले लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 70% जो डेथ हो रही है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी 18 से लेकर 45 साल के बीच का लोग, ये बेसिकली पर्सन है जो कि एक कमाने वाला पर्सन होता है, इसीलिए यहां पर रोड सेफ्टी मंथ भी सेलिब्रेट किया जाता है, ये 18 जनवरी से 17 फरवरी तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। थीम रखी गई थी अब की बार अगर बात करें सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, ये कई बार मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी यहां पर इसके ऊपर काम किया गया, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें बोला गया ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडिया इंडियन सोसाइटी, यानी हमारी सोसाइटी के ऊपर जो यहां पर किस तरीके से इंपैक्ट पड़ता है ये बातें यहां पर बताई गई, और अगर ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है सारी ये भी आर्टिकल में मत ढूंढना, ठीक है। अब यहां पर बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, तो हेल्थ के बारे में बात की जाती है यहां पर, तो ये तीसरा आप लोगों को ये बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखने को मिलेगा। अगर इसको थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करूं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर आप लोग देखते हैं रिड्यूस डेथ एंड इंजरीज ड्यू टू रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखते हैं तो पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो तीसरा है उसको इस तरीके से एक्सपेंड कर दिया हम लोगों ने। हेल्थ के बारे में अगर कोई बात करें हर तरीके की जो बेसिकली बीमारी के बारे में यहां पर बात की जाएगी, एंड करना कोई एपिडेमिक आता है एड्स हो गया टीबी हो गया मलेरिया हो गया इसके बारे में बात की जा रही है, इसी के साथ में यहां पर इंश्योर करना की सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होती है सर्विस प्रोवाइड कराना, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में यहां पर बात किया जाता है। तो हेल्थ के बारे में अगर कुछ लिखने के लिए आए तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि कम से कम आप लोगों को जरूर मेंशन करना चाहिए किसके बारे में, वो आप लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में आप लोगों को जरूर मेंशन करना चाहिए, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स गेन सकें। और इसी के साथ में अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यहां पर हेल्थ जो है वो किस लिस्ट के अंदर में आता है, ये आप लोग बताइए सेंट्रल लिस्ट स्टेट लिस्ट या फिर कौन-कौन लिस्ट, ये कई बार मैं आप लोगों को बता भी चुका हूं, तो क्वेश्चन भी आप लोगों को हो जाएगा, ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। तो यहां पर इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। याद क्या रखनी है, इतनी बार आप लोगों को पढ़ा देता हूं, याद तो हो ही जाएगी अगर रेगुलर आप लोग लेक्चर सुनोगे। तो कहां कहां पर क्या क्या स्टेप उठाएंगे अगर ग्लोबल लेवल पर बात करें, ये ब्रासिला जो डिक्लेरेशन रोड सेफ्टी का आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बेसिकली इंडिया सिग्नेटरी है। तो ब्राजील में हुआ था यहां पर ये, तो उस टाइम पर 2015 में हुआ था, 2015 में हुआ था उस टाइम पर बोला था 2020 तक का हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ डेथ है वो 50% कम करेंगे, लेकिन 2020 में हम लोग इसको अचीव नहीं कर पाए तो फिर इसको आगे कर दिया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.6 जो है वो यहां पर इसके बारे में बात करता है, और इसी के साथ में बोलता है 2030 तक का हाफ करनी है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलता है 2030 तक का नंबर ऑफ डेथ जो है और जो इंजरी है रोड एक्सीडेंट की वजह से वो आधी करनी है हम लोगों को, पर लेकिन फिलहाल हमने 25 तक अपना टारगेट रख लिया। इससे भी पहले ब्रासिला डिक्लेरेशन के हिसाब से बात करें उसने 20 तक बोला था हम लोग को आधी करनी है, ठीक है। तो कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर बात करें डेकेड ऑफ रोड सेफ्टी सेलिब्रेट किया गया 2011 से लेकर 2020 तक का, ताकि रोड एक्सीडेंट को कम किया जा सके। ग्लोबल अगर बात करें रोड सेफ्टी वीक सेलिब्रेट किया जाता है, तो यहां पर ये पहले था सेलिब्रेशन जो था यहां पर एवरी 2 वीक आप लोगों को देखने को मिलता, 5th एडिशन इसका यहां पर देखने को मिला, ये 6 से लेके अगर बात करें 12 तक का यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलता है एवरी 2 ईयर, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखेगा। तो यहाँ पर रोड सेफ्टी के बारे में बात करते हैं, इसी के साथ में इंटरनेशनल रोड असेसमेंट प्रोग्राम भी आता है जो कि यहाँ पर बात करता है किस तरीके से आप लोग बेसिकली डेडिकेटेड यहाँ पर एक तरीके से नहीं एक चैरिटी वगैरह इकट्ठा कर सकते हैं, ताकि अगर लाइफ बचाई जाए उनके लिए कुछ काम आप लोग कर सकें। इंडिया के लिए क्या काम किया गया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। हमारी कंट्री में मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया गया जो कि काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो इसके चलते यहाँ पर कई सारे ट्रैफिक के जो कोई वायलेंस कर रहे हैं एक तरीके से डिफेक्टिव व्हीकल या फिर जुवेनाइल कोई ड्राइव कर रहा है, यानी कि 18 साल से नीचे का बच्चा अगर कोई ड्राइव कर रहा है तो उनके लिए यहां पर प्रोविजन थे। कई सारे ऐसे चुटकुले भी बने उस टाइम पर कि अगर मां बाप जो है वो कुछ आप लोगों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं और मां बाप को डराना है तो बाइक उठाकर निकल लो घर से, और अगर पकड़ लिया तो मां बाप के ऊपर 20 से 25 हजार रुपए का फाइन लग जाएगा कि एक नाबालिग मतलब 18 साल से नीचे का बच्चा गाड़ी चला रहा है। तो इस तरीके जो भी कई सारे देखने को मिले, पर जोक्स अपार्ट जो सीरियस चीजें हैं उनको जरूर ध्यान रखिए। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड के बारे में बात की गई यहां पर, कंपलसरी इंश्योरेंस जिससे यहां पर निकल कर आएगा। नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड के बारे में बात की गई, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये यहां पर बात की जा रही है इस यहां पर स्मार्ट रन के बारे में। इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं आप लोगों को, ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोगों के ना रहे। अगर कोई कहीं पर रोड एक्सीडेंट हो जाता है और वहां पर पर्सन जो है उसकी हेल्प करता है, उसको बचाने के लिए आता है, तो उसको बेसिकली बिना कुछ सोचे हुए यहां पर वो किसी की अगर जान बचा पाता है, टाइम पर हॉस्पिटल में इंसान पहुंच जाए, तो मैक्सिमम लोगों की जो है रोड एक्सीडेंट में लोगों की डेथ ना हो, जान बच जाए। तो इसी के चलते क्या बोला गया कि यहां पर एक तरीके से कोई भी अगर पर्टिकुलर पर्सन ऐसे किसी को हॉस्पिटल में लेकर जाता है तो उसको आप लोग क्या करेंगे, उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे, चाहे वो खुद ही क्यों ना हो जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। उससे कोई भी यहां पर मेडिकल को कोई कॉस्ट उससे डिमांड नहीं की जाएगी, ठीक है। कोई एक तरीके से यहां पर उसके बारे में बात नहीं करेगा, रिवॉर्ड दिया अगर बात करें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। नो का उसकी आइडेंटिटी कोई रिवील नहीं करेगा कि वो कौन पर्सन था जो यहां पर लेकर आया। इसी के साथ में कोई भी डिमांड हॉस्पिटल के द्वारा भी उससे नहीं की जाएगी, ठीक है। और इसी के द्वारा यहां पर कोई ट्रायल कोई एग्जामिनेशन यहां पर उस पर्टिकुलर पर्सन का नहीं देखने को मिलेगा अगर वो एक तरीके से हॉस्पिटल में लेकर आता है, चाहे उसी ने ही क्यों ना यहां पर उसके उसी से ही क्यों ना यहां पर चाहे एक्सीडेंट हुआ हो। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब यहां पर ये इसके चलते अब ये प्रोविजन किए गए हैं पहले, ताकि लोग जो है अब एक्सीडेंट अगर कहीं हो गया तो उसको हॉस्पिटल में पहुंचाए, पहले इंसान की जान है, और कोई भी हॉस्पिटल वाला भी इसको ये नहीं बोलेगा कि यहां पर इस इंसान को नहीं एडमिट करना है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। वैसे मैंने आप लोगों को यहां पर ये भी बताया था, ये आप लोगों को अगर याद होगा ये नैनो मैगजीन में हम लोगों ने पढ़ा था। अभी हमारी कंट्री में क्या किया गया था, विश्वेश्वरीय जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर के अंदर में है, इसके द्वारा बोला गया जब कहीं पर रोड पर एक्सीडेंट अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा तो ये जो रेलिंग लगी होती है ये लोहे की लगी होती है, यानी कि अगर ऐसे नहीं मरेगा तो इंसान इनमें टकरा कर मरेगा, क्योंकि गाड़ी भी टूटेगी और इंसान एक तरह टूट जाएगा अगर ऐसी लगी होती है। तो बोला यह गया था कि अगर इनको रिप्लेस कर बांस की बना दिया जाए कि कल को चलकर अगर एक्सीडेंट होता है तो कम से कम, क्योंकि देखिए अगर एक्सीडेंट हो गया और रेलिंग में आकर लगा लोहे वाले में तो तुरंत वहां से तो बच गए एक्सीडेंट से, पर यहां पर लगा जरूर सर फूटेगा, सब कुछ टूटेगा, पर लेकिन अगर ये बांस की बनी हुई है कुछ ऐसा तरीके से यहां पर बनी है तो फिर यहां पर हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसी के चलते यहां पर ये रिकमेंड किया गया था कि यहां पर इसके चलते हम लोग काफी कुछ सुधार सकते हैं। बोला गया था कि अगर हम लोग इनको अलाउ करते हैं तो आज के डेट में अगर बेसिकली लगाते हैं ना इनको जो मेटल लगाते हैं तो 2000 रुपए पर मीटर का खर्चा आता है, तो अगर इसको यूज करेंगे तो खर्चा भी यहां पर कम आएगा और कहीं ना कहीं जो ब्लैक स्पॉट है वहां पर हम लोग हेल्प कर पाएंगे लोगों की। 14,000 करोड़ रुपए की बेसिकली बात की गई जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक ने भी यहां पर काम करने में हेल्प की। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन देखिए मैंने आप लोगों को
इतनी सारी चीजें बता दी, अब कुछ लिखने के लिए आप लोगों को आ जाए ना किसी भी तरीके से इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में, और कोई प्रीलिम्स में भी आप लोगों के साथ क्वेश्चन पूछ ले, तो कोई भी अगर आप लोगों के साथ में तैयारी कर रहा होगा ना आज किट में, वो यहां पर इन सब चीजों पर इतने तरीके से डिटेल में नहीं पढ़ रहा होगा जितने डिटेल में आप लोगों ने पढ़ लिया। तो आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा यहां पर, हर तरीके से इंटरव्यू में कोई पूछ लेगा तो उसमें भी आप लोग आंसर दे पाएंगे। तो किसी भी आर्टिकल को इस तरीके से कवर करके चलना है, ठीक है। तो ये होता है तरीका जिसमें आप लोग उस आर्टिकल का चहुमुखी डेवलपमेंट आप लोग देख लेते हैं। तो ये बेसिक तरीका है जिसके बारे में आइडिया रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो बातें की जा रही है यहां पर, ये बेसिकली बात की जा रही है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप लोग WTO बोलते हो, तो ये बोला जा रहा है कि रिसेंटली अभी WTO जो है वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा है जिस तरीके से WTO को काम करना चाहिए। नॉर्मली नाम क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां जहां ट्रेड होता है उसको कैसे मेंटेन करना है, ये काम WTO का आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर मैं आप लोगों से बात करूं जो कि रिसेंटली अभी कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ये याद रखिएगा, नाइजीरियन नोकोजी ओकोंजो इवेला, ठीक है। मैंने बोला था आप लोगों को कि NOI के नाम से आप लोग याद रख लेना, ये नाइजीरियन है जो कि रिसेंटली पहली वुमेन बनी है यहां पर डायरेक्टर जनरल WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो फर्स्ट वुमेन और फर्स्ट अफ्रीकन और फर्स्ट यहां पर डायरेक्टर जनरल जो बनी है अभी महिला में, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी WTO की, वरना अब तक सारे मेल थे। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहाँ जरूर पूछूंगा, इनको किसके द्वारा रिप्लेस, मतलब इनके द्वारा किसको रिप्लेस किया गया, इनसे पहले यहाँ पर कौन थे यहाँ पर डायरेक्टर जनरल, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। अगर बात करें ओरिजिन WTO निकल के कहां से आया, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको GATT बोलते थे, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है वनडे टाइप एग्जाम में, जो आप लोग से जो है ना देकर आते हैं एग्जाम, उनमें जो सिंगल एक एग्जाम रहता है उसमें। तो यहां पर बात करें तो इसको क्रिएट किया गया था 1947 में, पर लेकिन इसमें इतनी अप टू द मार्क चीजें नहीं थी, जैसे जैसे चीजें चेंज हुई तो फिर लगा एक नया चीज आना चाहिए। तो उरुग्वे राउंड हुआ यहां पर, ये तो उरुग्वे राउंड से यहां पर GATT को, GATT को रिप्लेस करके WTO यहां पर बना दिया, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उरुग्वे राउंड से निकल कर आया। पहली इंपॉर्टेंट बात आप लोग ये याद रखिएगा, 1995 में ये बेसिकली स्टार्ट किया गया। और देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड में, जैसे हमारे देश में अगर बात करें LPG यानी कि लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, यानी कि हमारी जो इकोनॉमी थी, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, उसको ओपन किया गया, खोला गया थोड़ा सा उन लोगों के लिए जो बाहर से कंपनी आ सकती है हमारी कंट्री में, इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो आप लोगों को याद होगा यानी कि 1990 के आर फार में 90s में यहां पर बाहर से बहुत सारी कंपनी हमारे देश में आना स्टार्ट हो गई, जिसके चलते हमारी मार्केट जो है वो काफी ज्यादा ओपन की गई। अगर WTO के बारे में बात करें तो एग्रीमेंट एस्टैब्लिश किया WTO कॉमनली इसको मार्केट एग्रीमेंट के नाम से भी आप लोग बोलते हैं, मोरक्को के अंदर है बेसिकली, 1994 में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बेसिक रहती हैं जिनसे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। अब कुछ और प्यारी प्यारी सी बातें यहाँ पर, WTO जो है यहाँ पर ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि बेसिकली ट्रेड कैसे होना है दो कंट्री के बीच में या फिर कई सारी कंट्री के बीच में उसके बारे में बात करती है। मेन डिफरेंस क्या था अगर GATT और WTO में आप लोग बात करें, तो जो ये मोस्टली जो GATT था ये बेसिकली डील करता था ट्रेड इन गुड्स, ठीक है, पर लेकिन फिलहाल आप लोगों को देखने को मिलेगा हर तरीके से, जैसे गुड्स तो अभी रहे नहीं सामान, अब यहाँ पर सर्विस भी आ गई है, तो सर्विस या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उनके बारे में बात करें। ऐसे नहीं कि जैसे अभी आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा, COVID-19 की जब दवाई बनाई गई तो ये बोला गया COVID-19 की दवाई जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में फ्री प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है, पर लेकिन जो दवाई बनाने वाले लोग हैं जिन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके दुनिया भर का पैसा करके यहां पर खर्च करके दवाई बनाई है, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम लोगों ने पैसा खर्च किया है, अपना टाइम बर्बाद किया है, तो फ्री तो कम से कम नहीं करेंगे, तो हम लोग अपना पेटेंट जो है उसको नहीं हटाएंगे। तो ये होता है बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि पर्टिकुलर पर्सन ने मेहनत की है जिसने, वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे रहा है, वो अपनी मेहनत के पैसे चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी चीज जो होती है इस तरीके से जो आप लोगों को देखने को मिलती है बेसिकली यहां पर, अगर कोई मार्केट में नहीं सस्ती चीजें देखने को मिलती है, जैसे दवाई आ गई, तो इसका मतलब वो इंसान जो है वो पेटेंट नहीं ले रहा है, ठीक है, एक तरीके से अपना पेटेंट जो है उसने एक तरीके से उसका, तो उसका पेटेंट कैंसिल हो गया काफी लंबे समय से, लगभग 15 से 20 साल चलता है, तो ये तो उसका पेटेंट का टाइम ड्यूरेशन खत्म हो चुका है, या फिर वो पर्टिकुलर पर्सन ने स्वेच्छा से पेटेंट जो है वो अपना खत्म कर दिया है, ठीक है। स्वेच्छा से तो हालांकि कोई करेगा, कौन अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा कि पैसा ना कमाए, हर एक इंसान ऐसा है कि पैसा कमाना चाहता है। इवन बिल गेट्स के बारे में बात कर लीजिए, बिल गेट्स ने भी मना कर दिया पेटेंट के लिए, क्योंकि उसने भी कई सारी दवाइयां जो बनाई जा रही थी उनमें कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। तो यानी कि अगर बिजनेस वाले ऐसा काम करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा गवर्नमेंट को बेसिकली आगे आना चाहिए इन सब चीजों के लिए, ताकि चीजें चल सके, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फ्री वैसे नहीं होती है कुछ भी चीजें, अगर आप लोग कोई चीज फ्री प्रोवाइड कराई जा रही है तो इसका मतलब यह कि जो गवर्नमेंट है वो टैक्स पेयर की मनी आप लोगों को दे रही है, यानी कि गवर्नमेंट अपनी जेब से थोड़ी ना लगा रही है। हम जैसे लोग टैक्स पे करते हैं और फिर हम जैसे लोगों का ही पैसा हम जैसे लोगों के ऊपर ही खर्च किया जाता है, हेल्थ के लिए या फिर आप लोग बोले एजुकेशन के लिए, तो फ्री नहीं होता है, कोई ना कोई उसके लिए पे कर रहा होता है, अपने टैक्स पेयर जो अपनी टैक्स की मनी पे कर रहा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बोलना कि ये लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों को, तो फ्री नहीं है लेक्चर, लेक्चर में बहुत ज्यादा मेहनत है, लेक्चर में एक बहुत शानदार क्वालिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी,
बस मैंने अपनी कॉस्ट फ्री कर रखी है तो इसकी वजह से अवेलेबल फ्री है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझिए, ऑक्सीजन आप लोगों को मिल रही है फ्री नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से मत देखा करो चीजों को, जो फ्री है तो इनकी इंपोर्टेंस नहीं होती है। तो फ्री चीजों का मतलब ये नहीं होता कि उनकी कोई इंपोर्टेंस नहीं है, तो उनको इज्जत दिया करो, ठीक है। तो हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलेगा। टोटल 164 मेंबर है, जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। अगर बात करें यहां पर, इसके अंदर ऑब्जर्वर भी कई सारे देखने को मिलेंगे, अगर बात करें जैसे कि ईरान हो गया, इराक हो गया, भूटान, लीबिया, ये सारे, ठीक है। तो इंडिया जो है वो फाउंडर मेंबर है यहां पर, जब पहले G80 था, ठीक है, और फिर आगे चलकर इसका भी बना यहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसका जो काम करने का तरीका है, अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस आप लोगों को देखने को मिलती है, जनरल काउंसिल है जिसमें डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी है, जो कि एक तरीके से नपुंसक बॉडी आप लोग इसको बोल सकते हैं आज के टाइम में। ये काम नहीं कर पाती है, या फिर इसके अंदर बोले आप लोग कोई प्रॉपर वे में इसको काम करने देता नहीं है, ठीक है। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो गुड काउंसिल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल और सर्विस काउंसिल, तो अलग अलग एरिया में ये काम करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जिसके लिए बनाया गया था बहुत अच्छी अच्छी चीजों के लिए गया था, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे यहां पर रूल जो है इंटरनेशनल लेवल पर इन्फोर्स करना है, ठीक है। नेगोशिएशन कैसे मॉनिटर करनी है, अगर यहां पर चीजों को लिबरलाइज करना है, एक तरीके से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर व्यापार हो रहा है तो उसके अंदर कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं, कैसे अगर कोई लड़ाई होती है तो उसकी लड़ाई को सुलझाने का काम करेंगे, ठीक है। कैसे यहां पर एक तरीके से ऐसे नहीं होना चाहिए कोई घपला चल रहा है अंदर ही अंदर डिसीजन मेकिंग में, तो सबके सामने चीजें निकल कर आनी चाहिए। कोऑपरेट करना चाहिए एक दूसरे के साथ मिलकर, यानी कि इंटरनेशनल इकोनॉमी में ग्लोबल लेवल पर सबको फायदे पहुंचाने वाली चीजों को आगे लेकर चलें। डेवलपिंग कंट्री को कैसे फायदा पहुंच सकता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिसकी वजह से यहां पर ये बनाया गया था, पर लेकिन दिक्कत है क्या होने लगी आगे चलकर, ये उस तरीके से काम नहीं कर पाया। तो रिसेंट कई सारे चैलेंज आ गए, जैसे कि ट्रेड वॉर होगी यूएसए और चाइना के बीच में, आपस में लड़ते रहे काफी लंबे समय तक, वो उसके ऊपर टैरिफ लगा रहा है, उसके ऊपर टैक्स लगा रहा है, ठीक है। उसका प्रोडक्ट महंगा हो गया, इसका प्रोडक्ट महंगा हो गया, मतलब एक दूसरे के ऊपर एक तरह बम फेंक रहे थे। पर लेकिन यहां पर ये WTO कुछ कर ही नहीं पाया, यहां पर इसका सेटलमेंट निकाल ही नहीं पाया, तो कहां का WTO, ठीक है। घर में लड़ाई हो रही है, मुखिया एक इंसान और मुखिया की कोई सुनता नहीं, तो मुखिया थोड़ी ना रह गया, सबसे ज्यादा बेइज्जती उसी की हो रही है घर में, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एक पर्टिकुलर पर्सन घर में ऐसा होना चाहिए जिसका सुने, तभी घर में डिसिप्लिन आप लोगों को देखने को मिलेगा, वरना घर जो है वो घर जैसा नहीं रहेगा। तो इसी तरीके से देश में भी और स्टेट में भी और गांव में भी हर जगह आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लीडर जैसा होगा वैसी ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को काम करती हुई नजर आएगी, तो लीडर जो है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और लीडर जो है वो लीडर की तरीके से काम करे, ना कि बॉस की तरीके से काम करे। बॉस जो होता है वो रूल करता है लोगों के ऊपर, और लीडर जो होता है वो साथ में लेके चलता है, ओके। इसी के साथ में लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी, मतलब क्या है, कई सारी कंट्री अपने आप को अपने आप डिक्लेयर कर देती है कि हम तो डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। डेवलपिंग कंट्री डिक्लेयर कर दिया तो उनको स्पेशल फायदा मिलने लगता है, तो यहां पर WTO की कोई सुनता ही नहीं है कि WTO प्रॉपर इसके ऊपर एक प्रॉपर फ्रेमवर्क लेकर रखे, तो उसको कोई मानता ही नहीं है, ठीक है। इसी के साथ में ई कॉमर्स और ट्रेड, जो डिजिटल ट्रेड के बारे में बात करें, तो यहां पर ये बोलता है कि यार ट्रेड को इस तरीके से लेकर चलो, पर अभी मैंने आज ही आप लोगों की जो नैनो मैगजीन है उसमें डिस्कस किया था, याद होगा आप लोगों को, कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जिसके द्वारा प्रस्तुत किया गया UNTAD, ये डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट 2021, इसमें खुद इनके द्वारा बोला गया कि डिजिटल जो फील्ड में कई सारी कंट्री जो है वो उसको ओपन करने के लिए तैयारी नहीं है। अभी फिलिपिन आप लोगों को देखने को मिला, फिलिपिन के साथ में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, सिंगापुर और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो टोटल मिलाकर 6 ऐसी कंट्री हैं जो कि फ्री डेटा को बात करती हैं क्रॉस द बॉर्डर। पर लेकिन जैसे कि बात करें इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, रवांडा, रशिया, यहां रशियन फेडरेशन, तुर्की, सऊदी अरेबिया, वियतनाम, ये इन चीजों को बेसिकली अलाउ नहीं करती है। तो यहां पर बात की जाती है लाइट टॉर्च अप्रोच के बारे में। लाइट टॉर्च अप्रोच का मतलब क्या है कि एक तरीके से चीजों को आप लोगों को बड़े ही डेलिकेट तरीके से, केयरफुल तरीके से, सेंसिटिव जो एक तरीके से अप्रोच लेकर चलनी है अगर किसी चीज को आप लोगों को डील करना है। तो डिजिटल जो बेसिकली ये डेटा वाला भी कुछ ऐसे ही मुद्दा है, हर एक कंट्री यहां पर इसके बारे में बात करती नजर आती है चीजों को लेकर। एग्रीकल्चर के बारे में बात करें, आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में फूड जो सब्सिडी दी जाती है, ठीक है, हमारी कंट्री में फूड सिक्योरिटी एक्ट है, तो बहुत सारा खाना जो है हम लोग अपनी कंट्री में अपने लोगों के लिए रख लेते हैं, ठीक है, ताकि बाहर न जाना पाए, अपने देश में भुखमरी है उसको मिटा पाए। इसको लेकर यहां पर कई सारे इशू रहते हैं कि इंडिया तो जो है वो अपने ही देश में सारा सामान रखता है, बाहर नहीं जाने देता है, भुखमरी तो बाहर भी है, तो बहुत सारे ऐसे इशू आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। पर लेकिन WTO इनका भी कोई सोल्यूशन नहीं निकालते हैं, तो इसलिए कई बार ये बोला कि WTO है क्यों भाई साहब, फिर ये करिए क्या रहे हो, जब तुम कुछ करते नहीं हो तो तुम्हारा मतलब तो कोई रहने का नहीं, तुम्हारे होने ना होने को कोई मतलब नहीं रह गया कि जो चाह रहा है वो कर रहा है, अपनी अपनी मनमारी चला रहा है, तो तुम क्या कर रहे हो भाई साहब, ये बताओ यहां पर। अभी आप लोगों को पता है कई सारे ऐसे रीजनल एग्रीमेंट है, जैसे कि अभी बात करें तो यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ये जो एग्रीमेंट है यहां पर, ये बेसिकली ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यहां पर हो रही है इन कंट्री, सॉरी ये नहीं, एक मिनट रुको, ये वाला मैप आप लोग यहां पर देखो, इधर से देखिए अपनी प्यारी कंट्री होगी, यहां पर नीचे इंडियन ओशन हो गया, ठीक है। इधर से अगर आप लोग यहां पर आएंगे तो ये आप लोगों को पैसिफिक देखने को मिलेगा, तो पैसिफिक में जो कंट्री है उनके द्वारा मिलकर ये एग्रीमेंट साइन किया गया ताकि एक दूसरे के साथ में व्यापार कर सके। तो ये हो गया जिसको बोला गया यहां पर
कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक ये पार्टनरशिप। टोटल 12 कंट्री थी पर लेकिन यूएसए जो है यहां से बाहर निकल गया, उसके चलते 11 रह गई। फिर जापान बोला यूएसए चला गया तो क्या अपने आप मिलकर काम करते हैं। इसी को ज्वाइन करने की बात की जा रही है अभी ताइवान के द्वारा, जिसके चलते चाइना जो है ताइवान के ऊपर चढ़ गया जाकर, तो इसी के चलते यहां पर दिक्कत देखने को मिल रही है। इसी के साथ में एक देखने को मिलेगा रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जिसको रिकैप बोला गया, वो वही था जिसमें से इंडिया बाहर निकल गया। उसमें टोटल कितने मेंबर थे, उसमें टोटल 16 मेंबर थे। इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने से मना कर दिया, ठीक है, तो उसकी वजह से दिक्कत देखने को मिली। 16 कौन थे, उसमें बेसिकली इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और जो न्यूजीलैंड और बाकी के आसियान 10 कंट्री, ठीक है, तो ये थे उसके अंदर। तो इस तरीके से अलग अलग एग्रीमेंट आ रहे हैं, तो डब्ल्यूटीओ की वैसे ही बेइज्जती होने लग रही है आज की डेट में। डब्ल्यूटीओ जो है उसकी अहमियत जो है खत्म होती जा रही है, तो ये भी देखने को मिल रहा है। डब्ल्यूटीओ ने बोला फ्री एग्रीमेंट कर लेते हैं यार कोविड 19 की दवाई को लेकर, तो यहां पर उस पर सारी कंट्री सहमत नहीं हुई, डब्ल्यूटीओ की फिर बेइज्जती होगी, ठीक है। इसके चलते डब्ल्यूटीओ ने बोला था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर जो फूड जो मैकेनिज्म होती है, कि इंडिया को बोला था कि इंडिया जो है इस तरीके से मिनिमम सपोर्ट प्राइस न प्रोवाइड कराए अपने किसानों को, तो इससे क्या होता है कि बाहर बेसिकली प्रोडक्ट नहीं जा पाता है। इंडिया ने मना कर दिया, डब्ल्यूटीओ की फिर बेइज्जती होगी, ठीक है। तो यानी कि डब्ल्यूटीओ जो है एक तरीके से ऐसा हो चुका है जिसकी कोई ना कोई बेइज्जती करता रहता है, कोई सुनता ही नहीं डब्ल्यूटीओ की, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है एक तरीके से, जिसको जो भी चाहे ठोकर मार दे। और ऊपर से जैसे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आ गया, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक ये पार्टनरशिप आ गया, ऐसे ऐसे एग्रीमेंट आ गए, तो अब डब्ल्यूटीओ को कोई वैसे भी नहीं पूछने वाला है। तो इसलिए डब्ल्यूटीओ को बेइज्जती बचानी है, तो थोड़ा मतलब बेइज्जती नहीं बचानी, इज्जत बचानी है। बेइज्जती कहां से बचाएगा, बेइज्जती तो हो ही रही है, तो थोड़ा सुधर जाना चाहिए, ये बातें यहां पर इस आर्टिकल के अंदर बोली गई है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली बात कर रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में आज के डेट में क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि अगर मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो काफी कुछ चेंज होता हुआ आप लोगों को नजर आ रहा है दुनिया में, पर लेकिन जिस तरीके की चीजें चेंज हो रही है, हम लोग उस तरीके से क्या अपना पैटर्न चेंज कर रहे हैं, क्या हम लोग चीजों को, आप लोगों को पता है जी ग्लोबल लेवल पर क्या हम लोग मिलकर काम कर पा रहे हैं प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकालने के लिए। तो इंडिया को एक तरीके से जो वर्ल्ड को देखना है उसमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या यहाँ पर जियो पॉलिटिक्स है और क्या क्या इकोनॉमिक सेंटर है, तो उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। और आने वाले टाइम में बोला जा रहा है कि एशिया की सेंचुरी आने वाली है, कि आने वाले टाइम में एशिया का टाइम आएगा, तो उन सब चीजों को बारे में रखकर यहां पर बातें की जा रही है। तो कई सारी आप लोगों को प्यारी प्यारी बातें देखने को मिलेगी, मतलब एक तरीके से आप लोग यहां पर ऐसी कुछ चीजें देखने को मिलेगी जो कि आंसर राइटिंग में आप लोग यूज कर सकते हैं काफी अच्छे से, ठीक है। एक टाइम ऐसा था कि नेम जैसी मूवमेंट, नेम जैसी ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी जिसको NAM, ठीक है, तो नॉन अलाइंग मूवमेंट इसको बोला गया था। ये नॉन अलाइंग मूवमेंट उस टाइम पर लाया गया था जब यहां पर एक साइड में यूएसए और एक साइड में यूएसएसआर, ठीक है, तो यानी कि रशिया आज की डेट में आप लोग इसको बोल सकते हैं, जब ये दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ रहे थे एक दूसरे के साथ में, उस टाइम पर नेम लाया गया और इनके द्वारा बोला गया नॉन अलाइंग मूवमेंट, ना कि इतना तो यूएसए के साथ मिलेंगे और ना ही यूएसआर के साथ मिलेंगे, हम अलग से अपने आप को लेकर चलेंगे। क्यों था ऐसा, ऐसा इसलिए था क्योंकि ऑलरेडी गुलाम कंट्री थी अभी नई नई, अभी आजाद होकर आए थे, तो न्यू बोर्न कंट्री थी अभी, तो नई नई कंट्री अभी पैदा हुई है, तो ऊपर से यहां पर पता चला अभी यूएसए और यूएसआर के कंट्रोल में आ गई, तो इसलिए इन्होंने बोला अलग ही मिलकर रहेंगे। आप लोगों ने सुनी होगी ना वो कहानी, एक बाप जो होता है वो चार लड़कों को बुलाता है अपने बच्चों को और उनके हाथ में एक एक लकड़ी दे देता है, बोला इसको तोड़ो, तो वो तोड़ देते हैं, पर लेकिन फिर क्या करता है, फिर चार डंडियों को एक जगह बांध कर देता है, अब इसे तोड़ कर दिखाओ। तो यानी कि यूनिटी अगर हो जाती है तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा फिर जो है अच्छी चीजें चलने लगती हैं। तो वही समझाने की कोशिश की थी, जो नई नई सारी कंट्री जो नई पैदा होकर आई तो सारी इकट्ठी मिल गई आकर नेम में, तो नेम में इकट्ठी मिल गई, तो यहां पर कोई इनके ऊपर फिर उल्टी सीधी हरकतें नहीं कर पाया, तो एक अलग ही ग्रुप बन गया। पर लेकिन यह भी बोला जाता है यूपीएससी में मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, क्या नेम जो है वो आज के इस पेयर में देखे तो आज भी ये कोरिलेट कर पाता है, क्योंकि बनाया तो इसलिए गया था क्योंकि हम लोग यूएसआर और यूएसए के साथ में नहीं मिलना चाहते थे। अब 1990s में तो यूएसआर का विघटन हो गया, अब यहां पर तो कुछ ऐसा फंडा रहा ही नहीं, कोल्ड वॉर खत्म हो गई, तो अब किस तरीके से नेम काम करता है, जी हां आज भी ये रिलीवेंट है। अब इनके द्वारा अपने मुद्दे चेंज कर देंगे, ये क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, टेररिज्म के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके के कई सारे इशू आज आप लोगों को देखते हुए नजर आएंगे। तो अभी जो इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर है, ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो आज के डेट में जो पहले बाइपोलर वर्ल्ड था, अब मल्टीपोलर वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं, यानी कि आज के डेट में ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर कंट्री है, अलग अलग कंट्री आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जो मल्टीपोलर वर्ल्ड में हम लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा देखने वाला मुद्दा है कि किस तरीके से हम लोग मल्टीपोलर वर्ल्ड को समझ रहे हैं और किस तरीके से हम लोग मिलकर एक दूसरे के साथ में काम कर रहे हैं, क्योंकि आज कोई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो यहां पर आप लोगों के सामने देखने को मिलेगी, अलग अलग कंट्री है। इवन न्यूक्लियर पावर भी अगर कोई आप लोगों से बोल देना जिसके पास में न्यूक्लियर पावर है, ऐसे भी आप लोगों को 9 देश देखने को मिल जाएंगे। 9 देश कौन से हैं, देखो पहली आंसर पहले लिख दिया क्वेश्चन पूछने से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, इसी के साथ में इजराइल हो गया, पाकिस्तान हो गया और इंडिया हो गया, ठीक है, ये देखने को मिलेंगे, बाकी चाइना, नॉर्थ कोरिया और रशिया। तो टोटल मिलाकर 9 ऐसी कंट्री है जिनके पास में न्यूक्लियर पावर है, अगर कोई आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले तो। यानी कि एक टाइम पे यूएसए यूएसआर हुआ करता था, पर आज के डेट में होने कहते हैं कि
आज के में हम अपने अपने मालिक हम है, जैसे अरविंद केजरीवाल साहब कहते हैं ना दिल्ली के मालिक हम है, अपने देश के मालिक अब हम है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में न्यूक्लियर पावर है। कोई भी अगर उसको उल्टी सीधी हरकतें करेगा तो हिरोशिमा नागासाकी वाला फंडा हो जाएगा, जहां पर जो बेसिकली बम गिराए गए थे वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर। तो आज की डेट में कोई भी किसी के साथ में झड़पता नहीं है, इवन नॉर्थ कोरिया भी यूएसए को डरा के रख लेता है कई बार, क्योंकि पता है नॉर्थ कोरिया के पास में अभी फिलहाल न्यूक्लियर बम है, तो कल को मरता मरता भी अगर छोड़ गया तो कई बहुत सारी दिक्कतें तो करके चलाई जाएगा, ठीक है। उन्हें कहते हैं अगर ताकतवर इंसान अगर चार मुक्के मारेगा, चार चांटे मारेगा, चार थप्पड़ मारेगा, तो कमजोर भी कम से कम एक तो मारेगा ही, और उसका कमजोर का एक भी अगर लग गया ताकतवर को तो फिर ताकतवर की बेइज्जती होगी। कमजोर को तो लोग ये कहेंगे हाँ बेचारा कमजोर था पीट दिया, पर ताकतवर की बेइज्जती हो जानी है। सोचो नॉर्थ कोरिया को अगर एक तरीके से नॉर्थ कोरिया ने यूएसए के ऊपर अगर जरा सा भी अटैक कर दिया तो यूएसए की कितनी बड़ी बेइज्जती हो जानी है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड के बारे में बात की जा रही है, पर मल्टीपोलर वर्ल्ड भी कोई ऐसा नहीं है कि जो सॉल्यूशन निकाल पा रहा है चीजों का। कोविड 19 के बारे में देख लीजिए आप लोग, कोविड 19 आया और एक साइड में क्लाइमेट चेंज का इशू आया। अगर ये दो बड़े बड़े इशू के बारे में बात करें, मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है वो डिवाइड होता हुआ नजर आ गया, यानी कि एक तरीके से हर एक कंट्री जो है वो अपने बारे में सोच रही है। तो आज की डेट में कुछ ऐसा पर्टिकुलर दिख नहीं रहा है कि हाँ ये कंट्री जो है वो बोल सकती है कि हाँ ये एक रूल और रेगुलेशन को एस्टेब्लिश करके चलेगी। बहुत ही एक तरीके से नहीं अनस्टेबल सिचुएशन हो गई है, जब से खासकर डोनाल्ड ट्रंप आए उससे पहले लगता था यूएसए जो है वो ग्लोबल पुलिसिंग का काम करते हैं, सबको स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं, पर लेकिन फिलहाल चाइना आ गया, चाइना आज के डेट में सबको टक्कर देने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। तो चाइना इवन ये भी बोलते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए, मल्टीपोलर मतलब अलग अलग कंट्री होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि यूएसए और यूएसआर बस दो से दो रहे, पर लेकिन एशिया के अंदर जब जाते हैं तो चाइना अपनी ये नीति छोड़ देता है, वो बोलते हैं नहीं एशिया के अंदर तो बस मुझे ही रहना है, तो चाइना दोगले काम करता है। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, पहले तो कई सारी बातें बोली गई, इंडिया को एक तो यूएसए के साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि यूएसए हमको बहुत सारे फील्ड में फायदा पहुंचा सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में फायदा पहुंचा सकता है, डिफेंस के फील्ड में फायदा पहुंचा सकता है, क्लाइमेट चेंज के इशू पर रिन्यूएबल एनर्जी में हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो उसमें फायदा पहुंचा सकता है, ठीक है। इसके चलते हमारी सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो काफी कुछ हम लोग उनसे जो डिफेंस में हम लोग इक्विपमेंट परचेज करके लेकर आते हैं तो उसके लिए फायदा पहुंचा सकता है, चाइना को टैकल करने में फायदा पहुंचा सकता है। तो एक तो बोला गया इसके मुद्दे पर काम करना चाहिए, दूसरा साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन जो है जो ठंडे बस्ते में डाल रखी है उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करना चाहिए। बिम्सटेक को तो हम लोग फिर भी सोच रहे हैं पर लेकिन इसको हम लोग सोच ही नहीं रहे, तो इसके ऊपर भी हम लोग काम करना चाहिए। और सबसे बड़ा काम क्या होना चाहिए, देखिए आप लोग को देखने को मिलेगा जब आप लोग ताकतवर है ना तो आप लोग ही सब सुनते हैं, पर लेकिन अगर आप लोग कमजोर है तो फिर कोई नहीं सुनेगा। तो ताकतवर बन के रहना है वो कैसे करना होगा, तो आप लोग को काम करना पड़ेगा, कोई ऐसी पोस्ट ले लो आप लोग एग्जाम निकाल का, फिर सब लोग आप लोग ही सुनते नजर आएंगे, पर लेकिन आप लोग कितने भी पढ़ लो अगर आप लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ, पोस्ट आप लोगों ने नहीं लिया, कोई आप लोग नहीं सुनेगा, बोलता है पढ़ रहा था, पढ़ के रहा था, मजे ले रहा था, पढ़ थोड़ी ना रहा था, ठीक है। तो ऐसे से आप लोगों को बहाने सुनने को मिलेंगे, ठीक है, ऐसे से आप लोगों के ऊपर आरोप लगाए जाएंगे। तो इंडिया को ताकतवर बनना पड़ेगा और इंडिया ताकतवर बन रहा है क्या, जी हाँ बन रहा है। जैसे पहले हम लोग नॉन अलाइन मूवमेंट पर पड़े रहते थे, अब वहां से हटकर हम लोग मल्टी अलाइन पर चले गए हैं, यानी कि कई सारी ऑर्गेनाइजेशन आ गई ना बड़ी बड़ी जिसका हम लोग पार्ट बन चुके हैं, पहले हम लोग ऐसा नहीं करते थे। इंडिया का जो रोल है इंटरनेशनल एक्टिविज्म में वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। आज के में G20 के अंदर जब हम लोग बात करते हैं तो मैक्सिमम जो कंट्री है एक तरीके से उसकी लीडरशिप इंडिया करता हुआ नजर आता है, खासकर जो डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि सारी दुनिया जो है वो एक बेसिकली परिवार है, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हम लोग काफी लार्ज स्केल पर एक ग्लोबल लीडरशिप की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमारी कंट्री में अब यहां पर इसका हेडक्वार्टर आ गया, पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी इंटरनेशनल लेवल की जिसका हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर आया पहली बार, तो ये हमारी कंट्री की और ज्यादा यहां पर से इतनी एक इज्जत बढ़ गई है इंटरनेशनल लेवल पर। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर हम लोग जापान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं कई सारे एरिया में। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, कोविड 19 ने तो हमारी इमेज ही सुधार के रख दी, यानी कि इंडिया जो है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन गई, यानी कि सबसे ज्यादा दवाइयां हमारे यहां बनाई जाती है और सबसे सस्ती दवाइयां जेनरिक दवाइयां हम बनाते हैं जो कि मैक्सिमम अफ्रीका में यहां पर सप्लाई भी की जाती है, उसमें एड्स मलेरिया इन सब चीजों की दवाई देखने को मिलेगी। अभी हम लोगों ने कोलैबोरेट किया क्वाड के साथ में, तो कई सारी ऐसी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल रहे हैं और यूएसए भी चाह रहे हैं हम लोग मिलकर काम करें, तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जहां पर सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में भी आप लोग बात करें, जैसे कि इकोनॉमी के इशू के बारे में बात करिए, कहीं प्रोटेक्शनिज्म देखने को मिल रहा है तो कोई यहां पर काफी ज्यादा ट्रेड टैरिफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। एनवायरमेंट के बारे में बात करिए, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज, वाटर क्राइसिस, पोल्यूशन, सारी चीजें देखने को मिलेगी। सोसाइटल मुद्दे पर अगर बात करें, डोमेस्टिक और पॉलिटिकल पोलराइजेशन आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है, तो उनके ऊपर काम करना चाहिए। कई बार ट्रस्ट जो है वो आप लोगों को मीडिया के ऊपर भी फेक न्यूज वगैरह ये सारी चीजें इनको देखना चाहिए। टेक्नोलॉजी में आप लोग देखते हैं कि हम लोग वैसे डिजिटल चीजों के बारे में बात करते हैं, पर लेकिन इतने ज्यादा आप लोगों को आज के डेट में थ्रेट देखने को मिलेगी कि आप लोगों का कोई ना कोई बेवकूफ बनाता हुआ नजर आएगा।
तो इस तरीके से इनको आप लोग समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए हर जगह से। तो अभी फिलहाल एक अनबैलेंस जैसी सिचुएशन है, तो कहां पर हम लोग अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं वो चीजें देखकर चलनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर एक क्वेश्चन है जो आप लोग अटेम्प्ट करना है, जो कि एक अच्छे से कोशिश कीजिएगा लिखने की, और अगर आप लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं तो अभी आप लोग रहने दीजिएगा, पर लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर या फिर उससे अगले साल की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर ट्राई करना, ठीक है। बात की जा रही है कि इंडिया इज यूनिकली प्लेस्ड इन ग्लोबल पॉलिटिक्स टू टेक अप द लीडरशिप रोल इन द फ्रेमिंग ऑफ न्यू मल्टीलेटरल वर्ल्ड ऑर्डर एनालाइज करना है। यानी कि आज की डेट में हम लोग एक ऐसी पोजीशन पर बैठे हुए हैं जिसमें हम लोग एक तरीके से नए बहुपक्षीय विश्व एक व्यवस्था के अंदर में हम लोग नेतृत्व की भूमिका निभा सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोगों को बेसिकली यहां पर एनालाइज करना है इसको, आज के टाइम पर हम लोग कैसे चीजों को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। आज के में अगर यूएन के अंदर भी आप लोग बात करें, कुछ बोलते हैं हम लोग तो सुनते हैं लोग, ठीक है। एक टाइम ऐसा था कि इंडिया बोलता था टेररिज्म है, तो सब साइन में कर देते कि टेररिज्म कुछ नहीं है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती है तो उसको टेररिज्म इंडिया चिल्लाता रहता है, ठीक है। पर लेकिन बाद में पता चला जब यहां पर बॉम्ब ब्लास्ट होने स्टार्ट हुए, यूएसए में बॉम्ब फटे, ठीक है, यूएसए की बिल्डिंग उड़ा दी यहां पर, उसमें 3000 लोगों की जान चली गई, बहुत सारे जो बॉम्ब ब्लास्ट हो गए फ्रांस में हो गए, यहां पर जर्मनी में हो गए, यूके में हो गए, तब उनको लगा नहीं यार इंडिया सही बोलता था, ठीक है। तो तब उनके चक्षु खुले, तो फिर उन्होंने हमारी बातें सुननी स्टार्ट की। तो इसलिए है कि सुनेंगे तो लोग, पर लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये आप लोग बोल सकते हैं, तो सुनाने वाला चाहिए, ठीक है। तो ये बातें यहां पर की जा रही है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है यहां पर, ये बेसिकली अभी नोबेल प्राइज चल रहे हैं, तो केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो जर्मनी के बेंजामिन जो है ये बेसिकली, और यूएसए के यहां पर डेविड मैकमिलन, ठीक है, तो इनको ये प्राइज दिया गया, और जो ये दिया गया बेसिकली ये फायदा कायम में पहुंचाने वाला है। ये कैटलिस्ट क्या होता है, इसको हिंदी में उत्प्रेरक बोलते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, किस क्रिया में इसको मिला दिया तो ये उत्प्रेरक का काम करती है, उसकी रिएक्शन को बढ़ाने का काम, ठीक है, या फिर रिएक्शन को कम करने का काम। तो ये इस तरीके से जो कैटलिस्ट होते हैं ये देखने को मिलेंगे। तो इससे क्या किया जा रहा है, इसकी स्टडी से बेसिकली फायदा क्या रहेगा कि जो ड्रग रिसर्च है उसमें और ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा दवाइयां बनाने में। आप लोग देखिए कंफ्यूज मत होना, बेसिकली कई सारे जो नोबेल प्राइज जो आ रहे हैं इनको टेंशन मत लेना, एक वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो में सारे नोबेल प्राइज कवर कर लूंगा। जैसे मैंने 19 की बनाई थी, 20 की बनाई थी, 18 की बनाई थी, इसी तरीके से 21 की भी बनाऊंगा। तो सारे नोबेल प्राइज कहां कहां से कौन कौन सी कैटेगरी में किस किस को दिए गए, कौन कौन से पर्सन कौन कौन से देश के, सब कुछ एक वीडियो में आ जाएगा, उसको मैं प्रोवाइड करा दूंगा जैसे सारे नोबेल प्राइज मिल जाते हैं। तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, जैसे प्रीलिम्स आप लोगों का निपटेगा उसके बाद में आप लोगों को मीडिया देखने को मिल जाएगी। तो टेंशन मत लेना, ये मैं सारी चीजें कवर कर लूंगा। फिलहाल अभी जो चल रहा है हल्का फुल्का सा, उसका ओवरव्यू आप लोग ले लीजिए। 1895 में इसको स्टार्ट किया गया था, इन फील्ड में दिया जाता है बेसिकली। यहां पर बात करें इकोनॉमी में, बाद में स्टार्ट किया गया 1968 में। नॉर्वे जो है वो पीस प्राइज देते हैं ओनली, बाकी के सारे जो है वो स्टूडेंट से निकल कर आते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो याद रखेगा, बाकी आप लोगों को सारी चीजें मिल ही जाएंगी, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। आगे एक और छोटा सा आर्टिकल है यहां पर, ये बात करें QES के बारे में। QES की फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे। तो क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे यहां पर भी जो प्रस्तुत किया गया, तो हमारी कंट्री में तो ये लेबर मिनिस्टर जो है जिनका नाम है भूपेंद्र यादव, इनके द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया, और बोला गया काफी लार्ज स्केल पर कई सारे एरिया में जॉब बढ़ती नजर आ रही है। 29% रिपोर्टेड किया गया यहां पर ग्रोथ, जो 2.3 जो यहां पर करोड़, 6th जो इकोनॉमिक सेंसस के हिसाब से बात करें तो यहां पर काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को जॉब मिलती हुई लोगों को नजर आई है। तो किस किस को जॉब मिल गई ये बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में। यहां पर बहुत सारे लोगों को जॉब मिल गई, तो 9 सेक्टर ऐसे हैं जिनमें मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेड हो गया, एजुकेशन हो गया, अकोमोडेशन हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, हेल्थ आई जो बीपीओ होते हैं जहां पे कॉल सेंटर में काम करते हैं, फाइनेंशियल सर्विस हो गया, तो कई सारे एरिया बोला गया काफी सारे लोगों को जॉब मिली है। तो इनके द्वारा 10,593 जो फर्म्स हैं उनके ऊपर काम किया गया, और वर्कर्स जो है बोला गया कि यहां पर जो मोर देन 10 वर्कर हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यहां पर काउंट किया गया 85% जो टोटल एम्प्लॉयमेंट यहां से निकल कर आता है, ठीक है। तो बात इनके द्वारा क्या क्या की गई है कि अगर बात करें फर्स्ट क्वार्टर में यहां पर जो अगर बात करें 2.3 करोड़ रिपोर्ट किया गया यहां पर सेंसस के बारे में बात करें, तो यहां पर यानी एक तरीके से इनके द्वारा बोला गया कि पहले के कंपेयर में अभी यहां पर जॉब में ग्रोथ बढ़ गया है। ट्रेड और अकोमोडेशन रेस्टोरेंट वगैरह इनके अंदर बढ़ाया, देखिए कहां पर कम हुआ होगा। होटल की जो इंडस्ट्री है वहां पर काफी कम देखने को मिला, क्योंकि होटल में लोग कौन जा रहा है, कोविड-19 के सब घर में पड़े हुए हैं, कोई घूमने नहीं जा रहे हैं। बाकी जो ITBPO है यहां पर मैसिव ग्रोथ देखने को मिला बोला गया। हेल्थ सेक्टर में काफी सारे लोगों को जॉब मिली, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, फाइनेंशियल सर्विस में, कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, एजुकेशन में और मैन्युफैक्चरिंग में। तो इसके चलते आप लोग इससे मैन्युफैक्चरिंग में बात करें अगर यहां पर, तो एजुकेशन और हेल्थ ये सारे ऊपर निकल कर आए, पर लेकिन जो होटल वगैरह अकोमोडेशन रेस्टोरेंट वगैरह ये काफी सारे बंद हुए, तो यहां पर चाहिए देखने को मिली है। तो राइटर यहां पर ये बोल रहे हैं कि जो रैंकिंग आप लोग ये प्रस्तुत करें ना डेटा, ये डेटा में कई सारी खामियां आप लोगों को देखने को मिलेगी। जिस तरीके से आप लोग ये डेटा प्रस्तुत कर रहे हैं, इसमें अगर डेटा को आप लोग कंपेयर कर रहे हैं उसमें मतलब आप लोग सही तरीके सही टाइम का सही तरीका एनालिसिस किया गया डेटा नहीं है, ठीक है। तो इसके चलते इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, तो वो राइटर का सोच है, उसको आप लोग ज्यादा सीरियसली मत लिया करो, ठीक है। कई सारे राइटर जो है अपने हिसाब से चीजें लिखते हैं, पर लेकिन हाँ जो बेसिक चीजें वो आप लोगों को बताना चाहिए, सर्वे के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो ये बातें यहां पर है। आइए आगे चलते हैं, कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट यहां पर जान लेते हैं। सबसे पहले तो यहां पर अभी फ्रंट पेज पर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश में अभी जो लखीमपुर खीरी के अंदर में क्या हुआ, एक पर्टिकुलर जो एक जो पर्टिकुलर मिनिस्टर थे उनकी रोड के नीचे आगे चार किसानों की डेथ होगी और भी कई सारे लोगों की जान चलेगी, तो इसकी वजह से काफी बड़ी दिक्कत देखने को यहां पर मिल रही है। तो स्यूमोटो कोग्निजेंस यहां पर लिया गया है बेसिकली कोर्ट के द्वारा, और यहां पर इस केस को सुनने की बात की जा रही है कि जल्दी से जल्दी देखा जाए क्योंकि काफी बड़ा इशू बनता हुआ ये जा रहा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है जब मीडिया में कोई रिपोर्ट चल रही होती है भले ही कोई केस को लेकर न जाए तो उसको लेकर भी यहां पर मुद्दा उठा देता है। ठीक है, आगे बात करते हैं सिविलियन जो किलिंग्स हैं यहां पर। ठीक है, बेसिकली जे एंड के अंदर बात की जा रही है। ठीक है, तो यहां पर जो है कॉज ऑफ कंसर्न यहां पर अभी भी कई सारे लोगों की जान जाती हुई नजर आती है सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा, और जो सिविलियन किलिंग है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, हालांकि कम हुई है पहले कंपेयर में, पर फिर भी यहां पर आज के टाइम भी है। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में क्या किया गया था, 5 अगस्त 2019 में नया यूनियन टेरिटरी बनाया गया था जम्मू एंड कश्मीर, तो उसकी वजह से चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो हल्का सा इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। जो नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, कई सारी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी, हालांकि ये मैंने आप लोगों को नैनो मैगजीन में भी कवर किया था पर फिर से रिवीजन भी आप लोगों को हो जाएगा। देखिए दोनों वीडियो में ना बहुत सारी चीजें आप लोगों को तो रिवीजन होती नजर आएंगी। ठीक है, रीजन इसलिए मैंने बना रखी है बेसिकली पैटर्न कुछ ऐसा है जो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा चीजें हो जाती हैं ताकि आप लोगों को उनका रिवीजन एक दो बार तो मैं जल्दी जल्दी से करा दूं एग्जाम में चीजों को न भूले। तो इस तरीके से अगर दोनों को पार्ट बना लेते हैं ना आप लोग अपनी पढ़ाई का तो कोई दिक्कतें देखने को मिलेगी। NEETSS न्यू पैटर्न प्लान जो है ड्रॉप कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा 2022 के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट को यहां पर बेसिकली ये बातें बोली गई है। ठीक है, तो ये क्या है NEETSS, तो इसको देखिए आप लोग इसको बोलते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो स्पेशलिटी ये NEETS बोलते हैं 2021 का, बेसिकली यहां पर ये इसके बारे में बात की जा रही है। तो ये आप लोगों को बेसिकली ये है क्या, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट, तो पहले हुआ करता था ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, इसको चेंज करके ला दिया गया नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट, MBBS BDS या फिर आयुष में कहीं पर भी आप लोगों को जाना है तो यहां पर ये टेस्ट देना पड़ेगा। कौन कंडक्ट कराता है, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यहां पर इसको कंडक्ट कराती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के द्वारा। ऑल इंडिया प्री मेडिकल जो टेस्ट था अब यहां पर ये आप लोगों को बेसिकली नहीं देखने को मिलेगा, ये यहां पर नेट जो UGC हो गया। ठीक है, नेट UG हो गया, तो इसी तरीके से यहां पर ये भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये अलग अलग ये एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं यहां पर जिसके चलते सेंट्रल लेवल पर, तो स्टेट वाले कई बार इसके वजह से सदमे में भी आ जाते हैं। ठीक है, कि यार ये सेंट्रल लेवल के एग्जाम तो स्टेट के बच्चे कैसे परफॉर्म कर पाएंगे, तो चीजें देखने को मिलती है। बाकी WHO के द्वारा रिकमेंड किया गया फर्स्ट एंटी मलेरियल वैक्सीन, तो यहां पर चिल्ड्रन इन सब सहारन जो अफ्रीका है वहां पर बोला गया WHO के द्वारा वैक्सीन दी जाएगी, फर्स्ट एंटी मलेरियन जो वैक्सीन है वो यहां पर लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। तो जो डायरेक्टर जनरल है यहां पर उनके द्वारा भी चीजों को बेसिकली सपोर्ट करने की बात की जा रही है। तो WHO के द्वारा रिकमेंड किया गया यूज करने के लिए RTS, ये S/ASOS यानी कि RTS, ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग जो वैक्सीन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी देने की बात की जा रही है। मलेरिया एक काफी खतरनाक बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी अगर इसके बारे में बात करें, ये कई सारे लेवल पर इंपैक्ट डालती है आप लोगों की बॉडी के अंदर में, और एक मच्छर जनित बीमारी है। अगर इसके बारे में बात करें तो ड्रग रेजिस्टेंस भी कई सारे लोगों को आज के दिन में देखने को मिलता है, तो उनके ऊपर भी बात की जाती है। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलेगी, जैसे अफ्रीका हो गया, ठीक है, साउथ अमेरिका हो गया, तो यहां पर आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसमें जो फीमेल मच्छर होता है जिसको एनोफिलीज मॉस्किटो बोलते हैं वो यहां पर बेसिकली काटता है, और ये आगे चलकर ब्लड में जब घुस जाती है आप लोगों का मलेरिया, ये लीवर में जाकर पनपता है और वहां पर जाकर ये पूरा प्रोटीन मिलते रहता है और मजे में फिर एंजॉय करता है। ठीक है, तो दिक्कतें देखने को मिलेगी, पर लेकिन जो यहां पर जो इसकी वजह से ड्रग रेजिस्टेंस ये बीमारी बन जाती है कई बार, क्योंकि यहां पर प्रॉपर वे में कवर नहीं किया जाता कहां कहां पर दवाइयां दी जा रही हैं, कई बार डायग्नोसिस ढंग से नहीं हो रहा है, सब लोगों को कवर नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे भी कई सारी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, तो बेसिक मलेरिया के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोग यहां पर रख सकते हैं। तो ये था इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अब आगे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट यहां पर जो न्यूज है ये बात की जा रही है कृष्णा रिवर के बारे में। तेलंगाना के द्वारा विड्रॉ कर ली गई अपनी प्ली जो कृष्णा रिवर के लिए उसने बेसिकली यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाली थी। ठीक है, तो 2014 के एयरफेयर में यहां पर इसके द्वारा इसको फाइल किया गया था, अभी इसको वापस कर लिया गया है। यहां देखिए यहां पर हमारी कंट्री में एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं वोटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 का, जिसके हिसाब से चीजों को सोल्यूशन आप लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा डिटेल में बातें करता हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। सबसे पहले संविधान के अंदर जाएंगे तो आर्टिकल 262 के बारे में आप लोगों को, इंटर स्टेट वोटर यानी कि दो राज्य के बीच में अगर पानी को लेकर लड़ाई होती है तो संविधान में भी मेंशन है यहां पर आर्टिकल 262 में, इंपॉर्टेंट फैक्ट है याद रखना। ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किए गए दो लो, एक को बोलते हैं यहां पर रिवर बोर्ड एक्ट जो को 1956 का है, और एक है यहां पर इंटर स्टेट वोटर डिस्प्यूट जो कि 1956 का है। रिवर बोर्ड एक्ट क्या बोलता है, ये बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली रेगुलेट करेगी इंटर स्टेट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं। इंपॉर्टेंट तो बात है यहां पर यह भी है कि पार्लियामेंट ही काम करेगी, ये आर्टिकल में बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट या फिर दूसरा कोर्ट भी यहां पर पावर में नहीं आएगा,
तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप सुधारेगी, इसको पार्लियामेंट अपने आप सुधारेगी, ठीक है। तो रिवर बोर्ड अगर स्टेब्लिश कर दिया जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट का इसका कंसर्न है, तो वहां से सोल्यूशन निकालने की बात की जाएगी। फिर भी अगर रिवर बोर्ड से बात नहीं संभलती है तो यहां पर ये ट्रिब्यूनल देखने को मिलेगा। ट्रिब्यूनल क्या होता है, त्रिया कोर्ट आप लोग बोल सकते हैं, जो कि यहां पर मैटर को सेटल करने का काम करता है, बेसिकली कोर्ट के बाहर ही। अगर बात करें यहां पर, तो यहां पर कई सारे ऐसे प्रॉब्लम है, आजकल में एक नहीं है। रवि और व्यास को लेकर पंजाब हरियाणा राजस्थान लड़ते हैं, नर्मदा को लेकर मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान लड़ते हैं, कृष्णा को लेकर महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्नाटक तेलंगाना लड़ते हैं, यहां पर वसुधरा को लेकर यहां पर आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा लड़ते हैं, कावेरी को लेकर यहां पर ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, केरला कर्नाटक तमिलनाडु और पुदुचेरी लड़ते हुए नजर आते हैं, ठीक है। गोदावरी में महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्नाटक मध्य प्रदेश और उड़ीसा लड़ते हुए नजर आते हैं, महानदी के ऊपर छत्तीसगढ़ उड़ीसा लड़ते हैं, तो महानदी के ऊपर गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक लड़ते हैं और पेरियार के ऊपर तमिलनाडु और केरला लड़ते हैं। अगर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में लिखने के लिए आ जाए तो इनमें से कुछ उदाहरण आप लोग याद रखिएगा, ये बेसिकली मेंशन करने में काफी फायदा करेंगे आप लोगों को, टॉपिक को समझाने में एग्जामिनर को। और आप लोग अगर इनमें से किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को उस इशू के बारे में जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। तो बताइए आप लोग के कौन से राज्य से रिलेटेड कौन से इशू निकल कर आ रहा है, मैक्सिमम राज्य यहां पर कवर हो गए हैं, तो क्या आप लोग इनमें से कोई से राज्य से बिलोंग करते हैं तो बताइए इसके बारे में। कृष्णा रिवर के बारे में बात करें तो ये बेसिकली महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकल कर आती है, तो यहां पर सेकंड बिगेस्ट रिवर देखने को मिलेगी गोदावरी के बाद में साउथ इंडिया के अंदर में। ये बेसिकली एक तरीके से बात करें महाराष्ट्र के अंदर 303 किलोमीटर के करीब है, कर्नाटक के अंदर 480 किलोमीटर है, यहां पर अगर बात करें तेलंगाना के अंदर लगभग 1300 किलोमीटर के करीब, ठीक है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से होती है, फिर वो बंगाल में जाकर गिर जाती है, ठीक है। तो सबसे ये बेसिकली इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। बाकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, तुंगभद्रा देखने को मिलेगी, इसी के साथ में यहाँ पर महा ये है बेसिकली मलहाप्रभा, ठीक है, कोयना, ये भीमा, ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर ये है घाटप्रभा, ये है यहाँ पर ये है येलरा, ठीक है, येरला, ठीक है, इसी के साथ में वरना, इसी के साथ में यहाँ पर ये दिंदी मूसी, ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर दूधगंगा, तो ये सारी ट्रिब्यूटरी हैं इसकी, तो कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो मुझे लगा बता देता हूँ आप लोगों को, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कल को कुछ बातें अगर पूछी जाए तो, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या इंपॉर्टेंट बात यहां पर बोली गई है, कुछ और बातें जो कि इंडिया के बारे में आप लोगों से पूछ ली जाए। तो देखिए अभी रिसेंटली इंडिया और यूएसए के जब रिलेशन के बारे में आप लोग बात करते हैं ना, तो कई सारी बातें आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी, तो उनमें से जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है फिलहाल वो है यहां पर S-400 एक ऐसा सिस्टम है जो कि इंडिया के द्वारा रशिया से खरीदा जा रहा है, पर लेकिन यहां पर ये नहीं चाहता है, ये क्या नाम है इसका, जो बेसिकली यूएसए, कि हम लोग ये S-400 सिस्टम यहां से खरीदे, तो इसके चलते जो वो बोल रहा है कि अगर ऐसा करोगे तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो इंडिया और यूएसए के रिलेशन में S-400 सिस्टम आकर खड़ा हो जाता है। ये एयर डिफेंस सिस्टम अगर कल को कोई हमारे ऊपर कोई मिसाइल से अटैक करता है तो हवा ही हवा में मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देगा ये, तो रशिया से खरीद रहे हैं। तो अभी यहां पर क्या हुआ, हमारी कंट्री के जो एयरफोर्स के चीफ है जिनका नाम है एयर मार्शल वी आर चौधरी है, उनके द्वारा बोला गया कि ये 5.43 बिलियन में S-400 सिस्टम हम लोगों ने साइन किया था रशिया के साथ में, हमारे देश में लगभग यहां पर ये दिसंबर के एंड तक हमारे देश में पहुंच जाएगा। तो यहां पर अगर ऐसा कुछ करते हैं हम लोग तो एक काटसा करके यूएसए का एक्ट है याद रखिएगा, C-88TSA, ठीक है। तो काटसा क्या बोलता है, इसकी फुल फॉर्म यहां पर काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, यानी कि जैसे अगर कोई भी जो यूएसए का दोस्त है वो यहां पर तीन कंट्री के साथ में, रसिया, ईरान और कोरिया, यानी कि नॉर्थ कोरिया के साथ में रसिया के साथ में, ईरान के साथ में कोई रिलेशन बनाता है तो ये सैंक्शन लगा सकते हैं उस कंट्री के ऊपर, जैसे इंडिया रशिया से खरीद रहा है तो इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं, मतलब दादागिरी दिखाते हैं ऐसा आप लोग बोल सकते हैं यहां पर। तो ये एक्ट इनके द्वारा लाया गया ताकि यहां पर इसके दुश्मनों के साथ में इसके दोस्त जाकर न मिले, ठीक है। तो इसके चलते इनके ऊपर तुर्की के ऊपर सैंक्शन लगाए गए थे अभी कुछ दिनों पहले, ठीक है। तो कई सारी कंट्री है जिनके ऊपर ये सैंक्शन लगा चुके हैं इन सारे मुद्दे को लेकर, तो इनको कई बार ये न्यूज में आता है तो इसके बारे में याद रखिएगा। इंडिया के लिए रशिया काफी इंपॉर्टेंट है डिफेंस इंडस्ट्री के मामले में बात करें तो, यहां पर अगर बात करें हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है रशिया, तो रशिया के बारे में आप लोग हल्का सा याद रखते हैं, तो रशिया से हम लोग काफी कुछ यहां पर परचेज करते हैं काफी लार्ज स्केल पर, जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा रशिया से हम लोग एक तरीके से नहीं, एक टाइम पर ऐसा था सबसे ज्यादा चीजें हम लोग रशिया से खरीदा करते थे, तो रशिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे एक्साइज इंदिरा हो गया रशिया के साथ में हम लोग करते हैं, ठीक है, तो कई सारी मिलिट्री एक्साइज भी हम लोग रशिया के साथ में करते हैं, Sukhoi-30 वगैरह ये सारे रशिया से खरीदते हैं, आर्मी के टैंक हो गए कई सारे रशिया से हम लोग खरीदते हैं, तो ये सारी चीजें आप लोगों को मिलिट्री के इक्विपमेंट रशिया से हम लोग खरीदते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो बेसिक चीजें हैं, तो बेसिकली देखते हैं आगे क्या चलता है। तो इंडिया के साथ में और जो अफगानिस्तान के साथ में, जो यूएसए के साथ में अगर बात करें तो अफगानिस्तान वाले मुद्दे पर बात करें, क्लाइमेट चेंज वाले मुद्दे पर बात करें और भी कई सारे मुद्दों पर बात करें, पर लेकिन S-400 वाला सिस्टम थोड़ा सा टफ पड़ जाता है यहां पर, ठीक है। तो याद रखिएगा एक्स डिप्लोमेट जिनका नाम था VMM नायर, अभी रिसेंटली डेथ हो गई है और अच्छी बात यहां पर यह कि 103 साल जी कर गए हैं, ठीक है, तो ये काफी बड़ी बात बोल सकते हैं, एक हेल्दी पर्सन एक तरीके से, ठीक है। तो अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, ओके। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, थोड़ा सा आइडिया इनके बारे में रखिएगा।
आगे बात करते हैं यहां पर। ये बेसिकली अभी देखिए, ये बेसिकली एग्जाम में पूछी जाए या ना पूछे, पर ये जरूर याद रखिएगा आप लोग। यहां पर कई बार क्या होता है, जैसे घर में आप लोग गैस का सिलेंडर यूज करते हैं, उसका जो पाइप रहता है ना, वो कई बार गल जाता है, उसमें से लीक होने लगता है, हम फिर भी इग्नोर करते रहते हैं, उसको तुरंत चेंज करना चाहिए। अभी ऐसा हुआ, उसमें से लीकेज हो रहा था और घर के अंदर आग लग गई, तो माँ और दो बेटी जो थे उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो यहां पर दो बच्चों की डेथ हो गई माँ के साथ में, तो ऐसी कंडीशन आप लोग को देखने को मिलती है। तो दिल्ली में इंसिडेंट होगा आया, तो आप लोग अगर इनके बारे में थोड़ा सा सतर्क रहेंगे तो ऐसे इंसिडेंट होने से बचा सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें, आईएससी जो बेंगलुरु है उसके अंदर नॉर्मली पहले क्या था, यहां पर ये बेसिकली मैनेजमेंट के लिए कोर्स चलाया करते थे। पहली बार यहां पर मेडिकल का कोर्स चलाने की बात की जा रही है इनके लिए, ताकि इसके अंदर में हेल्थ सर्विस को सुधारा जा सके। तो ये है बेसिकली इसके ऊपर बात की जा रही है, तो देखते हैं कितना चीजों को इंप्रूव कर पाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, तो यहां पर बात की जा रही है एनआईए के द्वारा बेसिकली यहां पर एलटीटीई, जो यहां पर इसके बारे में याद रखेगा, जो ये बेसिकली जो साउथ इंडिया के साथ में, जब यहां पर बात करते हैं केरला के साथ में, तो केरला से लेके जो सॉरी तमिलनाडु के साथ में, तो तमिलनाडु से जो लोग थे, जब उनको अंग्रेज लेकर गए कहां पर, ये इनको लेकर गए श्रीलंका के अंदर में काम कराने के लिए, तो उस टाइम पर इनके हक फिर इनसे छीने जाने लगे जब श्रीलंका आजाद हो गया, तो ये बेसिकली लड़ने के लिए तैयार हो गए, तो लिबरेशन टिग्रिस ऑफ तमिल एलम इनका नाम रखा गया। ठीक है, तो कई बार यहां पर ये देखने को मिलता है, हमारी कंट्री का भी काफी एक इतिहास है इनके साथ में, राजीव गांधी जी की जब हत्या हुई तो माना जाता है कि काफी बड़ा रोल प्ले किया इन्होंने, तो सारी बातें हैं। बाकी एनआईए के बारे में याद रखिएगा, इसको बोलते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, 2008 में इसको बनाया गया था। ये हमारी कंट्री की, देश की सॉवरेनिटी को कोई हट करता है, सिक्योरिटी को कोई हट करता है, स्टेट की सिक्योरिटी को हट करता है, फ्रेंडली रिलेशन के साथ में हमारे रिलेशन उसको कोई दिक्कत पहुंचाता है, न्यूक्लियर पावर अगर कोई हमारे खिलाफ अगर अगेंस्ट है, एटॉमिक और न्यूक्लियर फैसिलिटी का कोई कुछ करता है, स्मगलिंग करता है कोई, इस तरीके से हमारी झूठी करेंसी मतलब फेक करेंसी लेकर आता है, तो यहां पर एनआईए वाला पावर आ जाता है यहां पर, ये बेसिकली देखेगा। अगर इसी के साथ में इंटरनेशनल ट्रीटी को भी कम्बैक्ट इंप्लीमेंट करने का काम करता है, टेररिज्म को कम्बैक्ट करने का काम करता है, और भी कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये सारी बेसिक है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और यहाँ यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी यहाँ पर कुछ और बातें, जैसे कि यहाँ पर यूपी जो है टॉप लिस्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा पार्टिकुलेट मैटर की, जब आप लोग बात करते हैं थे, तो ये इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। यहाँ पर काफी कुछ, यहाँ पर बेसिकली उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा पोल्यूशन देखने को मिलेगा, फिर महाराष्ट्र, फिर एमपी, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान, फिर वेस्ट बंगाल, तो ये बातें बोली गई है। नेक्स्ट यहाँ पर ये एलपीजी का जो प्राइस बढ़ गया है, तो अपना जो बेसिकली ना और ज्यादा खर्चा बढ़ने वाला है। आप लोगों ने कृष्ण लीला किस किसी ने देखी है, ठीक है बताइए। तो जो यहाँ पर अरविंद त्रिवेदी थे, तो अभी रिसेंटली उनकी डेथ हो गई है 80 साल की एज में हार्ट अटैक के आने की वजह से, तो ये एक पर्टिकुलर काफी अच्छे आप लोग बोल सकते हैं कि उन्हें एक कलाकार थे। ठीक है, बाकी यहाँ पर बात करें कैबिनेट के द्वारा टेक्सटाइल सेक्टर को सपोर्ट करने की बात की जा रही है, तो इसके लिए पैसा दिया गया, तो आने वाले टाइम में और जॉब क्रिएट हुए नजर आएगी। तो पीएम मित्रा जो यहाँ पर पर्टिकुलर जो है उसके तहत यहाँ पर काम किया जा रहा है। पीएम मित्रा क्या है, यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर ये एक तरीके से इंप्लॉयमेंट जनरेट करेगा, यहाँ पर इंपावर करेगा टेक्सटाइल सेक्टर को, तो इसके चलते ये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की बात की है, ताकि इस सेक्टर को हम लोग एक इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग ले जाकर रख सकें। ठीक है, तो ये बातें की गई है। बाकी चाइना जो है वो ताइवान में घुस रहा है, वो आप लोगों को पता ही है, तो काफी बुरी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में, तो देखते हैं सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, कैसा लगा डिस्कशन जरूर बताना, फीडबैक दिए बगैर मत जाना, और आंसर लिख सकते हैं और यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करार, तब तक के लिए जय हिंद।